Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम पुरानी वाली क्लासेस में परसेंटेज के बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं, ज्यादातर सारे टाइप पढ़ चुके हैं। अब जो परसेंटेज में लास्ट टाइप रह गया है, जिसमें हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और ये वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वैसे अगर हम देखें तो ये मैथ में परसेंटेज में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है आपका, और मैथ में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए ये रीजनिंग में दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वेन डायग्राम को समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो, वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम क्या है? एक तरह से समुच्चय कहते हैं वेन डायग्राम को। सेट का मतलब क्या है कि कोई भी एक सेट होता है वो किसी एक नंबर ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे प्रदर्शित कर रहा होता है। जैसे मान के चलो समुच्चय ए है, ऐसे हम किसी भी सेट को हम किसी भी सर्किल से डिनोट करते हैं। कोई भी सेट होगा, मान के चलो मैंने मान लिया कि सेट ए है, और सेट ए जो है इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं एन ए, ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ सेट में, मतलब नंबर ऑफ ए तरह के कितने समुच्चय हैं। तो इसको हम सर्किल से डिनोट करते हैं, जैसे ये सर्किल है ऐसे, तो सर्किल ए में जो ये सर्किल है ये एन ए को डिनोट कर रहा होगा। एन ए का मतलब इसमें कोई एक प्रकार की चीजें होंगी। जैसे मान के चलो कुछ विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, मतलब हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों को ये वाला दर्शा रहा होगा। तो इसका मतलब हिंदी में जितने भी विद्यार्थी पास हुए हैं वो इस सर्किल के अंदर होंगे, सारे विद्यार्थी जितने भी होंगे वो इस सर्किल के अंदर होंगे। और इसको अगर मैं समुच्चय ए मान लूं तो एन ए की वैल्यू जो होगी वो इस सर्किल में नंबर जो स्टूडेंट है उनके बराबर होगी। जैसे मान के चलो हिंदी में 40% विद्यार्थी पास हुए, तो इसका मतलब 40% की जो वैल्यू है वो एन ए के बराबर होगी। हिंदी में कितने परसेंट पास हुए, मेरे कहने का मतलब सबसे पहले वेन डायग्राम में एक सेट होता है, समुच्चय होता है, वो समुच्चय एक विशेष प्रकार की चीजों को दर्शा रहा होता है। जैसे ये सर्किल है, ये दर्शा रहा है हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों को। हिंदी में जितने विद्यार्थी पास हुए हैं वो सभी विद्यार्थी इस सर्किल के अंदर आ जाएंगे। हिंदी में पास होने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे वो इस सर्किल के अंदर आ जाएंगे। ऐसे मान के चलो इसको डिनोट करेंगे एन ए से। ऐसे मान के चलो एक और सेट है, मैं उसको मान लेता हूं एन बी है, और इस एन बी के अंदर उसने कहा है इस एन बी के अंदर कोई सब्जेक्ट एक दूसरी इंग्लिश है, इस इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास होते हैं वो हैं। तो इसको भी हम एक सर्किल से डिनोट करेंगे, एक सर्किल से डिनोट करेंगे, और इसको सर्किल को अगर मैं एन बी कहूंगा तो इसमें वो विद्यार्थी आएंगे जो इंग्लिश में पास हुए हैं। जैसे मान के चलो उसने कहा कि 30% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, तो 30% स्टूडेंट इंग्लिश में पास होने वाले इस वाले में आ जाएंगे। तो ये एन बी डिनोट करना है जिसमें इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो कोई भी एक, सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए सेट और समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले वेन डायग्राम पढ़ने से पहले आपके समझ में ये आना चाहिए कि सेट और समुच्चय क्या होता है। तो सेट समुच्चय होता है किसी एक विशेष प्रकार की चीजों को दर्शाने वाला जो चीज होती है उसी को हम सेट या समुच्चय कहते हैं। तो सेट और समुच्चय, ये एन ए को मैं डिफाइन जो करूंगा, एन ए को डिफाइन इस प्रकार से करूंगा कि एन ए एक समुच्चय है, एक सेट है जिसमें हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो इसमें केवल हिंदी में पास होने वाले ही विद्यार्थियों को ये दर्शा रहा होगा। ऐसे ही मैं कहूंगा एन बी एक समुच्चय है, एक सेट है जिसमें इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी हैं, तो केवल ये इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों को ही दर्शा रहा होगा। ऐसे मान के चलो मैंने मान लिया एन सी एक सेट है और इसमें मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी हैं, तो मैथ्स में जितने विद्यार्थी, मान के चलो मैथ्स में पास हुए 50%। मैं ये समुच्चय के एग्जांपल आपको अलग अलग दे रहा हूं, अभी मैं इनको जोड़ नहीं रहा। अब अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। जैसे मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी 50 हैं, तो उसका हमें एक अलग से सेट बनाना पड़ेगा जिसको हम एन सी से डिनोट कर देंगे। मैंने अपनी तरफ से एन सी मान लिया, या मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग समुच्चय बनाना पड़ेगा।
जाएगा, और इसमें जितने भी विद्यार्थी मैथ में पास हुए हैं वो सभी विद्यार्थी इसके अंदर होंगे। जैसे 50% का है तो 50% जो विद्यार्थी होंगे वो मैथ्स में पास होने वाले इसके अंदर आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेट जो है ना समुच्चय एक विशेष प्रकार की चीजों को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पर मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थियों को समुच्चय एनसी प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे ही इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों को एनवी प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे ही यहां पर हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों को जो है एनए प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें एक ही प्रकार के एक समुच्चय में एक ही प्रकार की चीजें हो सकती है। जैसे ये समुच्चय हिंदी में पास होने वालों का है तो इसमें केवल हिंदी में पास होने वाले ही विद्यार्थी होंगे, इसमें इंग्लिश वाले नहीं आ सकते हैं। इंग्लिश वाले तभी आएंगे जब ये चीजें ओवरलैप हो रही होंगी। तो समुच्चय सेट समझ में आ गया होगा। सेट क्या होता है? समुच्चय किसी एक विशेष प्रकार की चीजों को दर्शाने वाला जो सेट होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा सेट क्या होता है, किसी एक प्रकार की चीज को, और एक सर्किल से हम उस एक प्रकार की चीजों को दर्शाएंगे। सर्किल जो है वो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्किल बनाते हैं। ये वेन डायग्राम में सर्किल से ही हम चलेंगे। उसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जैसे विद्यार्थियों का कोई परीक्षा होती है, कोई भी एग्जाम होता है, विद्यार्थी का कोई भी एग्जाम होता है, मान के चलो कुछ विद्यार्थियों ने कोई एग्जाम दिया, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तीन सब्जेक्ट हैं मान के चलो, एक सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश है और दूसरी सब्जेक्ट आपकी जो है वो हिंदी है, ऐसी तीसरी सब्जेक्ट मान के चलो आपकी मैथ्स है। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट हैं। जब उसमें तीन सब्जेक्ट हैं तो इन तीनों सब्जेक्टों के लिए हमारा जो सेट है, वेन डायग्राम जो है वो अलग अलग बनेगा, सर्किल जो है वो अलग अलग बनेगा। इंग्लिश में पास होने वाले सभी विद्यार्थी इस सेट के अंदर आएंगे, उसके अलावा हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी इस सेट के अंदर आएंगे। मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी जो है वो इस सेट के अंदर आएंगे। ये मैथ्स का सेट है, ये हिंदी में पास होने वालों का सेट है, ये इंग्लिश में पास होने वालों का सेट है, ये सेट हो गया। उसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, अब बात को ध्यान से समझना, अभी तक मैंने आपके जो चीजें बताई हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो मैंने आपको मात्र सेट बताया है। अभी मैंने आपको क्या बताया है? सेट, समुच्चय बताया है। सेट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन ए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ए ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ही एन बी एन सी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट का एक सर्किल होता है जिसमें जिस प्रकार की चीजें होंगी सारी सेम प्रकार की चीजें होंगी। हिंदी में पास होने वाले हैं तो इसमें केवल हिंदी वाले होंगे, इंग्लिश में पास वाले हैं तो केवल इंग्लिश वाले होंगे। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, इंग्लिश में पास वालों का सेट अलग बनेगा, हिंदी वालों का सेट अलग बनेगा, मैथ वालों का सेट अलग बनेगा, क्योंकि हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, मैथ वाले तीनों प्रकार के अलग अलग स्टूडेंट हैं, इसलिए इनमें अलग अलग बनेगा। लेकिन यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी तो होंगे कि जो हिंदी में भी पास हुए हों और मैथ में भी पास हुए हों। अभी मैं बस आपको वेन डायग्राम समझा रहा हूं, ये बात को ध्यान रखना। अभी मैं वेन डायग्राम आपको समझा रहा हूं केवल समझेंगे। तो सेट क्या होता है, जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद मैंने हिंदी में पास होने वाले ये हो गए, मैथ में पास होने वाले ये हो गए, इंग्लिश में पास होने वाले ये हो गए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी में भी पास है और मैथ्स में भी पास है, मतलब दोनों में पास है। ऐसे यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी तो होंगे जो इंग्लिश में भी पास है और हिंदी में भी पास है। उसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी तो होंगे जो तीनों विषयों में पास है। तो इस वजह से अब हमारे जब एक सेट के बाद जब कॉमन बात आती है, मतलब कॉमन चीज की बात आती है कि एक ही व्यक्ति में दोनों क्वालिटी है, एक स्टूडेंट मैथ में भी पास हो रहा है और इंग्लिश में भी पास हो रहा है, और मैथ में भी पास हो रहा है, हिंदी में भी पास हो रहा है, एक ही विद्यार्थी, तो उस जगह पे फिर आ जाता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे से मतलब कट करके जाएंगे। दो सर्किल अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। जैसे ये दो सर्किल अलग-अलग हैं तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। इन दोनों सेटों में जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, इस प्रकार से बने, तो इन दोनों सेटों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। इसका मतलब ए सेट वाले अलग रहेंगे, बी सेट वाले अलग होंगे। लेकिन अगर इन दोनों में कॉमन है, मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हो रहे, मैथ्स में भी, तो इन दोनों को हमें ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ओवरलैप करने के लिए हिंदी वाले का समुच्चय अगर ये होगा तो मैथ वाले को इसके साथ ओवरलैप करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे, अब देखना बात को बिल्कुल ध्यान से समझते चलना, यहां पर जो ऊपर है बिल्कुल अलग अलग है,
ऊपर जो समुच्चय है वो तीनों अलग अलग हैं, वहां पर कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा, लेकिन हिंदी और मैथ्स में पास होने वाले, जो हिंदी और मैथ दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों को अगर हमें दर्शाना है तो दोनों को पास होने वाले विद्यार्थियों को हम तभी दर्शा सकते हैं जब दोनों समुच्चय एक दूसरे को काटे, मतलब ओवरलैप हो, एक दूसरे में आए। तो अब ये जो भाग है अब देखना, ध्यान से समझना, इस वाले वेन डायग्राम को मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो वेन डायग्राम है वो हिंदी में पास होने वाले का है और ये वाला जो वेन डायग्राम है ये मैथ्स में पास होने वालों का है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। अब हिंदी में पास, अब मैं आपसे कहूं कि हिंदी में पास वाले विद्यार्थी बताइए, तो आप कहेंगे सर कि हिंदी में पास वाले विद्यार्थी सर यहां से लेके यहां तक होंगे, यहां से लेके यहां तक होंगे, हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी सर यहां से लेके यहां तक होंगे, तो आप कहेंगे सर ये होंगे। ठीक है, जो रेड पेन से हो रहे हैं ये कौन सी हो गए, हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी। ऐसे ही मैं आपसे कहूं बताइए मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी क्या होंगे, तो मैथ्स का ये सर्किल है, इसका मतलब ये सर्किल पूरा मैथ्स में पास होने वालों का ही तो है, इसका मतलब मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी ये होंगे, मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी ये होंगे। अब इसके बाद आपको इसमें स्पष्ट दिख गया होगा, इसमें स्पष्ट दिख गया होगा कि जो बीच वाला भाग है इसमें मैथ्स वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी, मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स और हिंदी दोनों में पास हो रहे हैं, तो यहां पर बीच में जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है जिसमें मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी भी आ रहे हैं और हिंदी में पास होने वाले भी, इसका मतलब ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हैं, ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हैं और मैथ्स में भी पास हैं, दोनों सब्जेक्टों में पास हैं, मैथ्स एंड हिंदी बोथ, बोथों में पास्ट विद्यार्थी हमारे पास यहां से ये निकल के आ जाएंगे। मतलब जब एक सर्किल ये हो गया दोनों का ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब इस वाले भाग में जो विद्यार्थी आएंगे वो होंगे जो हिंदी और मैथ्स दोनों में पास होंगे, वो वाले विद्यार्थी इसमें आएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, मात्र इस वाले हिस्से की बात करूं, ऐसे ही मैथ्स में मैं मात्र इस वाले हिस्से की बात करूं, ये ओनली ये वाला, तो इस वाले हिस्से की अगर बात करेंगे तो अब इसमें से क्या हुआ कि जो विद्यार्थी हिंदी और मैथ दोनों में पास है वो इस भाग में चले गए और ये वाला भाग कौन सा हो गया जिसमें ये भाग शामिल नहीं है, इसका मतलब ये केवल हो गए ओनली हिंदी, केवल हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी, केवल हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी हो गए। इसका मतलब ऐसे ही यहां पर ये अगर हम देखें तो अगर इस वाले बीच वाले भाग को हटा दें, केवल इधर वाले भाग को देखें तो ये आ जाएंगे केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी, ओनली मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी ये हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग जो है जिसमें दोनों भाग आ रहे हैं, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं अब की बार, ये वाला जो भाग है इसमें ये वाला भाग कहलाएगा जिसमें हिंदी और मैथ्स दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी आएंगे, और इधर वाला जो भाग है ओनली ये केवल हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी आएंगे, इधर वाला भाग जो होगा वो ओनली मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी आएंगे, यहां दोनों वाले आएंगे, और टोटल मतलब जो एक न एक सब्जेक्ट में पास अवश्य हैं वो उस विद्यार्थियों के लिए इसको 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 पूरे भाग को हम जोड़ देंगे तो वो वाले विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे। तो जब वेन डायग्राम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे तो बीच वाले भाग में दोनों विषयों में पास आ जाएंगे, मतलब दोनों में कॉमन, दोनों समुच्चयों में कॉमन क्या है इस बात को मैं आपको भी ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखना छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा मैं यहां पर, पास फेल को भूल जाइए, बस एग्जाम्पल समझिए कि कोई सेट ए है, ऐसे ही कोई सेट पहले अलग अलग बना लेते हैं, देखो यहां पर जैसे मैंने आपको ये दो में कॉमन समझाया है तो इसमें पूरा सर्किल हिंदी में पास होने वालों को दर्शा रहा है, पूरा सर्किल मैथ में पास होने वालों को समझा रहा है, मैथ में पास होने वाले विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों में जो कॉमन है वो हिंदी और मैथ दोनों में पास होने वाले हो जाएंगे, क्योंकि देखो मैथ की लाइन भी इसमें घुस गई और हिंदी वाली भी घुस गई, तो ये कॉमन भाग हो गया कि नहीं हो गया। फिर उस कॉमन भाग को अगर हम हटा दें तो इधर जो बचेगा वो केवल हिंदी वाले हो गए ओनली, ये भाषा का ध्यान रखें। अगर मैं कहूंगा कि हिंदी में पास विद्यार्थी बताइए तो ये पूरे सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, इस पूरे सर्किल की बात कर रहा हूं, और अगर मैं कहूं केवल हिंदी, मतलब केवल हिंदी के आगे, हिंदी के आगे केवल लगा दिया या ओनली लगा दिया, हिंदी के आगे अगर ओनली या केवल लगा दिया तो फिर उसमें से जो कॉमन भाग है ये घट जाएगा, बाकी ये साइड वाला ओनली हिंदी वाला होगा। ऐसी मैं कहूं कि मैथ में पास विद्यार्थी बताइए तो ये पूरा सर्किल है मैथ में पास वालों का, लेकिन मैं
केवल मैथ की बात करूंगा, ओनली मैथ्स की बात करूंगा, तो मैथ वाले टोटल में से दोनों वालों को घटा देंगे तो ये ओनली मैथ्स वाले आएंगे। ये बात आपको समझ में आएगी एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मान के चलो एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये कोई सेट है एन ए और ये कोई सेट है बी, ठीक है। उसके बाद इस सेट में नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, इस सेट में नंबर है 5, 6, 7, 8, 2, ठीक है। ये दोनों सेट हैं जिसमें ये समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें इस समुच्चय में 5, 6, 8, 7, 2 है। ये नंबर से आपकी समझ में आएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये दोनों जो वेन डायग्राम मैंने बनाए क्या ये सही हैं? क्या इन दोनों वेन डायग्राम में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा नहीं है सर, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है समुच्चय बी में और इसमें भी 5 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में अगर कॉमन है तो दोनों सर्किल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे अगर हमें दर्शाना है तो। अगर इन दोनों में कॉमन है तो ये दोनों जो सर्किल हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ए समुच्चय का ये होगा और बी समुच्चय का ये होगा। तो ये वाला जो सर्किल है ये वाला ए समुच्चय को दर्शा रहा होगा, ये बी वाले सेट को दर्शा रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको अभी बताया है कि बीच वाले भाग में वो नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, मतलब ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो ऐसे नंबर कौन से हैं जो ए और बी दोनों में है? तो आप कहेंगे सर यहां पर 2 वाला है और 5 है, ये ए में भी आ रहा है और 5 और 2 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब इस वाले भाग में मात्र 5 और 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समुच्चयों में कॉमन है। वही मैंने आपको कहा था कि यहां पर वो वाली चीज आएंगी जो दोनों में कॉमन होगा, ए एंड बी बोथ, वो वाली चीज यहां आएगी। उसके बाद अब मैं आपसे कहूं कि इस वाले हिस्से का मान बताइए, इस वाले हिस्से में क्या क्या चीज आएगी, इस वाले हिस्से में क्या क्या चीज आएगी, मात्र इस वाले हिस्से में। तो मात्र इस वाले हिस्से में केवल वो चीजें आएंगी जो दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन ए में आती हैं। तो ए में क्या क्या आ रहा है, 1, 3, 4, 2, 5, जिसमें से 2, 5 तो इस भाग में चला गया, बाकी का जो बच्चा वो इस हिस्से का पार्ट होगा, मतलब इस हिस्से में आएगा मात्र 1, 3 और 4, ठीक है। तो ये हो गया केवल ए, ये वाले जो है ना 1, 3 और 4, ये आपको केवल ए समुच्चय में मिलेंगे, ये आपको बी समुच्चय में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वाला भाग दर्शाएगा ओनली ए वालों को, केवल ए वालों को। तो केवल ए वालों को कौन सा भाग दर्शाएगा, ये वाला जिसमें 1, 3, 4 लिखा है। और ए वालों को कौन सा दर्शाएगा, तो ए वालों को दर्शाएगा टोटल वेन डायग्राम। देखो इसमें 5 और 2 भी आ रहा है ए में, तो ये टोटल वेन डायग्राम ए को दर्शाएगा, और अगर इसमें से दोनों वाले घटा देंगे तो ये केवल ए को दर्शाएगा। ऐसे यहां पर बी में जो कॉमन है वो यहां आ गया, बाकी का जो बचेगा वो ओनली बी में आ जाएगा। तो ओनली बी में क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। तो ये हो जाएगा ओनली बी, मतलब केवल बी समुच्चय में कौन कौन से नंबर हैं वो इधर आएंगे। बी में समुच्चय में कौन कौन से नंबर हैं, तो ये टोटल हो जाएगा। ए समुच्चय में टोटल कितने नंबर हैं, वो ये हो जाएगा। केवल ए में कितने समुच्चय हैं, वो ये हो जाएगा। और ए और बी दोनों में कितने समुच्चय हैं, वो ये हो जाएगा। बात क्लियर है? सेट के बाद आपको 2 सेटों में ओवरलैप और 2 सेटों का 2 समुच्चयों का ये संबंध आपके समझ में आ गया। इसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर धीरे धीरे चीजें समझाई हैं कि ये वाला भाग दोनों में कॉमन होगा, ये केवल एक का होगा, ये केवल दूसरे का होगा, और टोटल जो समुच्चय है एक, ये मैथ का होगा जो ऊपर है, और ये जो है ये केवल हिंदी का होगा। क्लियर है? इसके लिए एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया है कि दोनों में कॉमन चीजें यहां आएंगी। उसके बाद जो ए समुच्चय में बचा वो इस वाले हिस्से में आएगा, जो बी में बचा वो इस वाले हिस्से में आएगा। टोटल ए अगर देखेंगे तो देखो 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4 सारी चीजें हैं। टोटल बी अगर देखेंगे तो 5, 2, 6, 7, 8, 5, 2, 6, 7, 8 सारी चीजें हैं, और केवल कॉमन ये हो गया, ठीक है। तो 2 वाला समुच्चय आपके समझ में आ गया होगा जिसमें 2 सेट हो, वो वाला वेन डायग्राम ऐसे बनेगा जैसे ये मैंने बताया है और ये बताया। 2 वेन डायग्राम जिसमें 2 समुच्चय होंगे, जिसमें 2 सेट होंगे, उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। और 1 सेट वाला वेन डायग्राम ये मैंने आपको बना के दिखा दिए। तो 1 सेट और 2 सेट आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं थोड़ा सा डिफाइन और कर देता हूं। समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की चीजें होती है उसको समुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया समुच्चय सम संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब उसमें केवल सम संख्याएं ही आएंगी, उसमें और कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी विशेषता है कि उसमें केवल सम संख्याओं का समुच्चय उसने बोला है, तो उसमें केवल सम संख्याएं ही आएंगी। तो 1 सेट,
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर देते हैं, जिसमें केवल एक सेट हो, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पढ़ा। तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम जैसे एन ए और एन बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एन ए का समुच्चय अलग बनेगा और एन बी का अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी इन दोनों में संबंध नहीं दिया, बस एन ए एक सेट अलग दिया है और एन बी सेट अलग दिया है। तो ये वाला जो है वो एन ए होगा टोटल और ये वाला एन बी होगा। लेकिन अगर दोनों समुच्चयों में हमें दिया हो कॉमन, दोनों समुच्चय में दिया हो कॉमन, तो जब दो सेट दिए हो उनमें रिलेशन दिया हो और उनमें कुछ कॉमन हो, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो दोनों सेट अलग अलग रहेंगे। लेकिन उनमें जब कुछ कॉमन होगा, दोनों सेटों में कुछ चीज कॉमन होगी, तो उस केस में दो सेटों के लिए हमेशा वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दो सेट होंगे एन ए और एन बी, अगर उनमें कुछ कॉमन होगा, बात ध्यान से समझना, इनमें कॉमन नहीं होगा, जो ऊपर दो सेट हैं एन ए और एन बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर कॉमन होगा तो उस केस में वेन डायग्राम ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा, ऐसे वेन डायग्राम बनेगा जिसमें ये वाला जो है ये एन ए का समुच्चय होगा एक सर्किल और ये होगा एन बी का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट दर्शा रहा होगा ए एंड बी बोथ को, और ये वाला जो पार्ट है ओनली ये वाला पार्ट दर्शा रहा होगा केवल ए वाले, ओनली ए, जो केवल ए में आ रहे हैं उनको दर्शा रहा होगा। ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है इधर वाला बच्चा, ये दर्शा रहा होगा ओनली बी वाले पार्ट को, केवल बी, ओनली बी, ये वाला जो भाग है वो ओनली बी को, और टोटल सर्किल एन ए को ये दिख रहा होगा ऊपर आपको, टोटल सर्किल एन बी को ये दिख रहा होगा आपको। अगर हम ओनली ए वाले निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एन ए टोटल सर्किल में से कॉमन भाग को घटा देंगे। अगर हम ओनली ए निकालेंगे, देखो कॉमन भाग को हम अगर रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन कह देते हैं। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो भाग कॉमन होगा उसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे बनता है उल्टा यू टाइप का, ये जो साइन होता है आपका ये होता है आपका इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब अगर हम देखें तो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है उसका साइन ऐसे बनेगा उल्टे यू टाइप का। और एक होता है आपका यूनियन, यूनियन का साइन हमेशा ऐसे बनता है, जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो आप समझ जाना ये यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन का साइन होता है। तो अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन ये रहा, और ओनली ए क्या होता है, ओनली ए का मतलब होता है कि समुच्चय एन ए में से माइनस कर दो कौन सा वाला भाग, कॉमन वाला, एन ए इंटरसेक्शन बी। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर हम टोटल एन ए में ओनली ए अगर हमें निकालना है तो टोटल एन ए में से ये कॉमन वाला भाग घटा देते हैं तो हमारे पास ओनली ए वाले निकल के आ जाते हैं। ऐसे अगर हमें ओनली बी निकालना है तो क्या करेंगे, ओनली बी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल बी में से और कॉमन भाग को घटा देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास केवल बी वाले निकल के आ जाते हैं। वैसे तो वेन डायग्राम से ही जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो इन फॉर्मूलों की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इनको यहां पे समझ लो कि ओनली ए का मतलब क्या होता है, ए और बी का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब क्या होता है, एन बी का मतलब क्या होता है, एन बी का मतलब बी वाले सारे, और ओनली बी का मतलब बी में से कॉमन भाग घटा के जो बचा वो। ऐसे ही दोनों का बोथ का मतलब जो ए में भी हो बी में भी हो दोनों कॉमन, अभी पीछे एग्जाम्पल देकर समझाया था, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा ए यूनियन बी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ये सारी चीजें, ये भी और ये सारी चीजों का जो जोड़ होता है वो आपका होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम कैसे दिखाएंगे, देखो साइन तो आपके समझ में आ गए होंगे, इनको मैं हटा देता हूं। अब देखिए आप यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं एन ए यूनियन बी तो इसका मतलब क्या है, एन ए यूनियन बी का मतलब ये है कि अगर ये दो सर्किल हैं
ये वाला और ये वाला, ये कॉमन भाग है, तो एन ए यूनियन बी में ये टोटल आता है, टोटल जितना भी इसमें होगा वो सब ए यूनियन बी में आता है पूरा भाग। जैसे ये एन ए का वेन डायग्राम है, ये एन बी का वेन डायग्राम है, उनमें कॉमन भाग, अगर ये पूरे भाग की बात करें दोनों सर्किल कॉमन सब, तो ये एन ए यूनियन बी होगा। तो एन ए यूनियन बी लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो वो बराबर होता है ए समुच्चय में कितने टर्म है एन ए प्लस बी समुच्चय में कितने टर्म है एन बी, में से अगर मैं माइनस कर दूं एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर हमारे पास ए यूनियन बी निकल के आ जाता है, एन ए यूनियन बी टोटल कितने होंगे वो निकल के आ जाता है। तो एन ए यूनियन बी जब कभी भी निकालेंगे, एन ए यूनियन बी होता क्या है, टोटल जो होता है वो एन ए यूनियन बी होता है, उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, यूनियन का मतलब होता है उसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, सारे टर्म होंगे। और एन ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसे होता है, एन ए समुच्चय में कितने टर्म है एन बी, बी समुच्चय में कितने टर्म है, और एन ए इंटरसेक्शन बी को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो एन ए यूनियन बी निकल आता है। अब देखो कैसे निकल आता है वो आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा, जैसे कैसे निकल आया ये वाली चीज देखो, ये दो सर्किल हैं जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ऊपर फॉर्मूले को देखना और नीचे जो मैं हाईलाइट करूं उस भाग को देखना। जैसे मैंने यहां पर एन ए रखा तो एन ए में कौन सा भाग आ गया, देखो ये वाला भाग आ गया एन ए में, टोटल यहां तक आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद मैंने प्लस एन बी किया, तो प्लस एन बी किया तो एन बी में ये वाला भाग यहां से लेके यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसमें दिख रहा होगा कि सर आपने एन ए लिया तो ये रेड रेड जो लाइन है ये वाला भाग आ गया, एन बी लिया तो जो ब्लू ब्लू लाइन है ये वाला भाग आ गया, लेकिन इस एन ए प्लस एन बी में ये वाला जो भाग है वो दो बार आ गया, एक बार तो रेड में मतलब एन ए में आ गया और एक बार ये एन बी में आ गया। इसका मतलब जबकि यूनियन में ये बस एक बार आना चाहिए, जबकि यहां ये दो बार आ गया, तो इसका मतलब इसको एक बार घटाना पड़ेगा। तो इस भाग को एक बार घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये फॉर्मूला यहां से आया। आप वेन डायग्राम से चीजों को समझ के चलेंगे तो फॉर्मूलों की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ाना जरूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट रटते हैं समझते नहीं है, तो वो क्या है वो फॉर्मूला रट लें काम चल जाएगा, और जो समझ रहे हैं वो समझें, चीजों को समझने से ज्यादा लाभ मिलता है रटने की अपेक्षा। तो वो केवल इस वेन डायग्राम को समझें कि ये भाग क्या है, ये भाग क्या है, ये क्या है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वो ऐसे समझें, और जिनको फॉर्मूला रटना है वो वही फॉर्मूला रट सकते हैं, ठीक है। तो समझना ज्यादा जरूरी है, ये दोनों का जो मैटर है वो मैंने समझा दिया, इसमें क्या क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, एन ए होता है, बी होता है, ओनली ए और ओनली बी, ये पांच टर्म होते हैं, पांचों टर्मों को निकालना मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको दे देता हूं, एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। जैसे मान के चलो कोई समुच्चय है एन ए और एक समुच्चय है एन बी, एन ए और एन बी दो समुच्चय हैं, ठीक है। अब इस एन ए में नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एन बी में है 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि एन ए और एन बी में कुछ कॉमन है कि नहीं, अगर कॉमन होगा तब तो ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए ओनली बी जो मैंने आपको बताया उसका मतलब बनता है। अगर दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो समुच्चय फिर ऐसे के ऐसे रहेंगे, ना उसमें इंटरसेक्शन निकाल सकते, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ऑब्वियस है जीरो हो जाएगा। ऐसे ही ना उसमें आप यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में सभी को जोड़ देंगे, टोटल जो टर्म हो जाएंगे वो यूनियन हो जाएंगे। उसके अलावा एन ए एन बी निकाल सकते हैं, ओनली ए और ओनली बी भी फिर एन ए एन बी ही बन जाएगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं तो ओनली का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वो बात तो, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो केवल आपको मैं समझा रहा हूं। एग्जाम में जब कभी भी आएगा तो दोनों में कॉमन जरूर दिया होगा, तो यहां पर कॉमन क्या क्या दिया ये देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन दिया है भाई, तो यहां पर देखो 5 दिया है, यहां पर 6 दिया है, यहां पर भी 5 दिया है, 6 दिया है, उसके अलावा यहां पर 8 दिया है, 8 दिया है, ये कॉमन दिया है, इसका मतलब कॉमन दिया है। तो अब हमारा वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए इस प्रकार से बनेगा, जिसमें कॉमन पार्ट भी होगा, ये हमारा एन ए होगा
और ये हमारा एन बी होगा। अब बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि बीच वाला भाग दोनों में कॉमन होता है, इसका मतलब सबसे पहले तो इस भाग को ही भर लेते हैं। तो इस वाले भाग में कौन कौन से टर्म आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, 5, 6 और 8, ये इस भाग को दर्शा रहे होंगे। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो आप आंसर कर देंगे कि सर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा 5, 6, 8। ये हो गया भाई, ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, ये क्या है, कॉमन है। सिंपल भाषा से समझो, सिंपल भाषा का मतलब ए और बी में जो भी कॉमन होगा वो एन ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। तो एन इंटरसेक्शन बी में कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं, 5, 6 और 8। ये इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन हो गया, ये वाले भाग का मान हो गया। अब उसके बाद एन ए हमारे ऊपर लिखा है, एन ए जो है हमारे ऊपर लिखा है, एन ए ये है, एन ए अगर ये है तो ये एन ए का मान इस पूरे सर्किल का मान होगा, यहां से लेके ये जो मान है ये पूरे एन ए का मान होगा। अब एन ए में से 5, 6, 8 तो इधर आ गए, बाकी जो बचेंगे वो इधर वाली साइड में आएंगे, और इधर वाली साइड में कौन है, इधर वाली साइड में केवल ए, मतलब इस वाली साइड में वो टर्म आएंगे जो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है। मतलब इस वाली साइड में ओनली ए वाले आते हैं, मैंने आपको बताया इस वाली साइड में ओनली ए वाले आएंगे, तो ओनली का मतलब केवल ए में होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए। तो देखो एक नहीं है, एक केवल ए में है बी में नहीं है, ऐसे ही दो केवल ए में है बी में नहीं है, ऐसे ही 3 केवल ए में है बी में नहीं है, ऐसे ही 4 केवल ए में है बी में नहीं है, लेकिन 5 यहां नहीं आ सकता क्योंकि वो बी में भी है, तो वो यहां आ गया क्योंकि वो ए और बी दोनों में कॉमन है, इसलिए वो इसमें नहीं आ सकता। ऐसे ही 6 यहां भी है तो वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर ओनली ए वाले आएंगे, कॉमन वाले इधर आएंगे। ऐसे ही 7 यहां पर है, ओनली यहां पर नहीं है, तो ये यहां आ सकता है। 8 जो है दोनों में कॉमन है, वो यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब केवल ए में, अगर मैं केवल एन ए का समुच्चय बनाऊंगा तो केवल एन ए का, ओनली एन ए का, केवल एन ए नहीं, एन ए में तो टोटल आ जाएंगे सारे, ओनली केवल एन ए का बनाएंगे तो केवल एन ए का समुच्चय बनेगा 1, 3, 2, 4, 7। ये एन ओनली एन ए का बनेगा, केवल एन ए का, और एन ए में तो ये है टोटल, अगर एन ए की बात करें तो वो ये है ही और एन बी ये है ही, मैंने ओनली एन ए की बात की है। ऐसे ही ओनली एन बी की बात करें तो ओनली एन बी का ये वाला भाग होगा, ओनली एन बी में वो टर्म आएंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है, तो 6 इसमें है इसका मतलब यहां नहीं आ सकता, 5 इसमें है यहां नहीं आ सकता, 8 इसमें है यहां नहीं आ सकता, यहां आएगा 9 आएगा, 10 आएगा जो इसमें नहीं है, 11 आएगा और 12 आएगा। तो ओनली बी, अगर हम ओनली ओनली एन बी का बात करें तो ओनली एन बी का समुच्चय जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, उसमें ये टर्म आएंगे 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब उसके बाद इंटरसेक्शन निकाल लिया, ओनली ए निकाल लिया, ओनली बी निकाल लिया, और एन ए एन भी पता है, अब एन ए यूनियन भी बताना है हमें। अब लास्ट टर्म बचा एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी क्या होता है, अब इसको निकालने के लिए एक तरीका तो वो है कि मैं फॉर्मूला लगा दूं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन मैं लॉजिकली अगर चीजों को समझूंगा तो लॉजिकली मेरे समझ में एक बात आ रही है कि सर ने बताया है यूनियन का मतलब होता है सभी टर्म एक एक बार आ जाने चाहिए, बस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उसमें ये भी आएंगे, ओनली ए वाले भी आएंगे, ओनली बी वाले भी आएंगे, और दोनों में कॉमन भी आएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि आप ओनली ए वाले लिख दो, इसमें ओनली एन ए वाले लिख दो, ठीक है, ओनली एन ए वाले लिख दो प्लस ओनली केवल एन बी वाले लिख दो, ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन वाला पार्ट कर दो, तो सभी को जोड़ दो तो एन ए यूनियन बी आ जाएगा। और एक फॉर्मूला मैं यूनियन बी का आपको पीछे बता चुका हूं, जिसमें क्या होता है एन ए प्लस एन बी में से दोनों को जोड़कर माइनस कर देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी,
क्यों माइनस कर देते हैं वो भी बता चुका हूं, क्योंकि एनए और एनवी में ये भाग दो बार आ जाता है तो उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एन ओनली एनए और ओनली एनवी अगर हम लेंगे, मतलब केवल ये और ये वाले भाग लेंगे, तो उसमें इंटरसेक्शन एक भी बार नहीं आ रहा, तो उसको एक बार तो जोड़ना पड़ेगा। यूनियन का मतलब पूरा होता है ना, पूरा, इसलिए यहां पर ए इंटरसेक्शन भी एक बार जुड़ेगा। तो ओनली ए में कितने टर्म है इसमें, वो भी आएंगे, 1 2 3 4 7 वो भी आएंगे इसमें। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये बनेगा इसका समुच्चय। इसमें सारे एक एक बार आ जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए, उसके बाद ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे क्योंकि उसमें आ चुके हैं 9 10 11 12। वो जो समुच्चय बनेगा वो ए यूनियन बी। अब आपको समझ में आ गया एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सारे टर्म एक बार आने ही आने हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों समुच्चयों में कॉमन, दोनों सेटों में कॉमन चीज क्या है। एन ए का मतलब केवल, एन ए का मतलब ए में आने वाले, बी का मतलब बी में आने वाले, ओनली ए का मतलब, ओनली ए का मतलब यह है कि वो बी में नहीं होने चाहिए, ओनली ए में होने चाहिए। ओनली बी का मतलब, केवल बी का मतलब क्या है कि वो बी में होने चाहिए लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। ये टर्म है दो वेन डायग्रामों के, समझ में आ गया होगा, ये दो वेन डायग्रामों का समझ में आ गया। तो और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन डायग्रामों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तीन वेन डायग्राम, जो दो वेन डायग्राम पर आधारित जो क्वेश्चन हमसे एसएससी बैंक रेलवे में एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज केवल उनको पढ़ लेते हैं। फिर अगली क्लास वेन डायग्राम की एक और आएगी, उसमें तीन वालों को भी स्टडी कर लेंगे, तीन से ज्यादा वालों को भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों पर। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए, यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है। अब बातें, बाकी बातें तो मैंने आपको सारी बातें वेन डायग्राम से रिलेटेड पीछे बता दी हैं, सेट समझा दिया, सब चीज समझा दी है, लेकिन जो भी डाउट थोड़े बहुत रह गए होंगे वो क्वेश्चनों से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक इसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन को समझेंगे, एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चनों को अपने आप समझ में आ जाएंगे आपके, तो उनको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसको धीरे से समझेंगे। तो देखो जब दो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपका आएगा, ये पास फेल वाला आएगा, तो उस केस में एक सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। ये क्या करेगा, ये टोटल को दर्शाएगा, कुल जितने भी टोटल चीजें होंगी उनको ये दर्शाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इस परीक्षा में छात्रों की बात हो रही है तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कुल विद्यार्थियों को ये दर्शाएगा आयत, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टोटल कुल विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। उसके बाद इसमें क्या दिया है, 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए, यदि 73% दोनों विषयों में पास हुए तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। इसका मतलब ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है आयत, उसके बाद इसमें दो, एक अंग्रेजी और एक मैथ, दो सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब हमें दो वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक इंग्लिश के लिए बनाना पड़ेगा और एक वेन डायग्राम मैथ्स के लिए बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो एक वेन डायग्राम इनमें से इंग्लिश को दर्शा रहा है, ये वाला मान लेते हैं ये इंग्लिश को दर्शा रहा है, ये वाला जो वेन डायग्राम है हमारा वो इंग्लिश को दर्शा रहा है। कभी भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर पूरा नाम नहीं, बस शॉर्ट में लिखना है, और ये मैथ्स को दर्शा रहा है, कभी भी फुल नहीं लिखना, टाइम को बचाना है, कम से कम लिखना है। तो ये इंग्लिश वालों को दर्शा रहा है, ये मैथ्स वालों को दर्शा रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है आयत, रेक्टेंगल जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है, ये मैथ वालों को दर्शा रहा है, ये इंग्लिश वालों को। पास फेल वाला हम इसमें से देखेंगे, तो 80% हमको क्या दिया है, अंग्रेजी में, और 85% गणित में पास हुए, मतलब पास होने वाले स्टूडेंट दिए हैं। इसका मतलब ये वेन डायग्राम, इंग्लिश वाला जो वेन डायग्राम है, ये इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थियों को दर्शाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं क्योंकि इसमें अक्षरों को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़ा बना लेते हैं वेन डायग्राम। तो देखो भाई रेक्टेंगल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शाएगा,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये रेक्टेंगल दर्शाएगा। उसके अलावा दो वेन डायग्राम, एक इंग्लिश का बना लेते हैं, ये मान लेते हैं रेड पेन से जो है वो इंग्लिश का है। एक वेन डायग्राम मैथ्स का बना लेते हैं और दोनों में कॉमन जरूर होंगे, आपको ऐसे ही बनाना है, तो ये मैथ्स का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देख लो, उसने कहा 80% छात्र अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में पास कितने हुए 80%, उसको ऊपर लिखेंगे, यहां नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना, यहां इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाला भाग केवल इंग्लिश वालों का है, यहां पर जो चीज लिखेंगे वो केवल इंग्लिश वाले लिखेंगे, हमेशा इंग्लिश में परसेंटेज पास या फेल वो यहां लिखने, तो इंग्लिश में 80% तो 80% लिखेंगे हम यहां, 80%, इसका मतलब इस पूरे वेन डायग्राम का मतलब 80% है। उसके बाद गणित में 85% पास हुए हैं, इसका मतलब इसका पूरा जो परसेंटेज है वो 85% है। तो इस 85% में कौन कौन से आएंगे, जो ये पूरा वेन डायग्राम, ये पूरा वेन डायग्राम में 85% स्टूडेंट है, इस पूरे वेन डायग्राम में 80% छात्र हैं। उसके बाद 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, इसका मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले कहां आएंगे, तो आप कहेंगे सर दोनों विषयों में पास होने वाले आएंगे बीच में, वो कितने परसेंट हैं, 73%, तो 73% इस वाले भाग में आएंगे, तो 73%। अब क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन कैसे हो गया कि 80% टोटल इंग्लिश में पास होने वाले हैं, जिनमें से 73% इंग्लिश मैथ्स दोनों में पास हुए हैं, तो अगर मैं इस टोटल में से इस 73% को घटा दूं तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले आ जाएंगे। मैंने पीछे बताया, अभी पीछे बताया है ओनली ए वाले और ओनली बी वाले कैसे निकालते हैं, तो ओनली इंग्लिश वाले निकालेंगे, तो इंग्लिश में कुल विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनमें से कॉमन को घटा देंगे, तो केवल इंग्लिश वाले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो यहां से ओनली ए मतलब मुझे कौन सा भाग निकालना है, मुझे केवल ये भाग निकालना है, केवल यहां तक का भाग निकालना है, केवल ये वाला भाग निकालना है यहां तक। जब यहां तक निकालना है तो इस टोटल में से इस कॉमन को घटा दें तो यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ही तो एक्स्ट्रा है इस 80% में, इस 80% में ये वाला भाग भी है और कॉमन भी है, और ये कॉमन हमको पता है, तो इस 80 में से अगर कॉमन को घटा दूं तो केवल इधर वाला भाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 80 में से 73 को माइनस करेंगे तो इधर वाला भाग कितना आ जाएगा, 7%। इसका मतलब केवल इंग्लिश में पास होने वाले 7% हो जाएंगे, ये कौन से हैं, ओनली इंग्लिश। बिल्कुल धीरे धीरे समझना, ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर 85 में से अगर 73 को घटा देंगे तो ये आ जाएंगे ओनली मैथ्स वाले, ओनली मैथ्स वाले, तो 85 में से 73 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7, 80, 7, 5, 12%, 12% विद्यार्थी जो होंगे वो ओनली मैथ्स वाले होंगे, ओनली मैथ्स में पास होने वाले होंगे। ठीक है, अब देखो 7% विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास हुए, 73% दोनों में पास हुए, 12% ओनली मैथ में पास हुए, 80% इंग्लिश में पास हुए, 85% मैथ में पास हुए, ये पूरा वेन डायग्राम बन गया। अब उसके बाद आप कहेंगे सर ये आपने आयत क्यों बनाया था, आयत इसलिए बनाया था कि ये कुल विद्यार्थियों को दर्शा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये दे दे कि 12% विद्यार्थियों ने भाग ही नहीं लिया, इसका मतलब जब आयत इन सब में, ये तो वो हो गए वेन डायग्राम में कौन से विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, भाग लिया है, जिन्होंने मैथ का पेपर भी दिया और इंग्लिश का पेपर भी दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसमें तो कहीं नहीं कहा उसने, इसमें कहीं भी उसने ऐसा नहीं कहा कि कुछ विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, लेकिन अगर ये कहा होता तो जिन विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया वो यहां आते, जो बाकी का भाग बचा, बाकी का जो भाग बचा ये इस भाग में वो वाले विद्यार्थी आते जो परीक्षा में बैठे ही नहीं है, और जो परीक्षा में बैठे नहीं है वो विद्यार्थी इसमें आते, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, नॉट जो परीक्षा में नहीं बैठे वो इसमें आएंगे, वो कहते हैं ना नॉट टुक पार्ट, जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया वो वाले विद्यार्थी यहां आएंगे। वो विद्यार्थी आएंगे, उसने पूछा है कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल हुए, और यहां पर जितने विद्यार्थी, अगर ये पास वाला होगा, ये तो हो गया जो भाग नहीं लेंगे, अगर वो नहीं दिया होगा तो फिर ये पास वाले, अगर हमने वेन डायग्राम बनाया तो यहां फिर फेल वाले भी आ सकते हैं, और अगर यहां पर हमने फेल वाला वेन डायग्राम बनाया तो यहां पास वाले भी आ सकते हैं। अगर हम इसको देखो, इसको मैंने कुल विद्यार्थियों की संख्या माना, और क्वेश्चन में उसने ये दिया,
क्वेश्चन में उसने ये दिया कि 12% विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया, तो वो फिर यहां आ जाएंगे, बाकी का 12 के बाद जो 88% बचेंगे वो इनमें आ जाएंगे वेन डायग्राम में। लेकिन अगर इसमें कहीं भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो, कहीं भी उसने ऐसा कहा है कि इतने प्रतिशत विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया, इस लैंग्वेज में कहीं भी नहीं कहा, इसका मतलब यह है कि ये वाली चीज तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ये वाली चीज तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि जितने विद्यार्थी पेपर में बैठे हैं सभी के सभी ने भाग लिया है। तो इस केस में जो आयत जो है ना, ये मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है वो वाले हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए, टोटल स्टूडेंट्स जो परीक्षा में भाग लिया है उसमें से पास वाले ये हैं। तो फिर इस केस में ये वाला भाग किसका होगा, फिर उस केस में ये वाला भाग फेल वालों का होगा, फिर उस केस में ये वाला भाग क्या है, फेल वालों का होगा, जब यहां पर उसने ये नहीं दिया कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया, यहां पर नहीं दिया था क्वेश्चन में। तो उसके बाद ये जो बाकी बचेगा बाहर वाला भाग, ये फेल वाले विद्यार्थी हो जाएंगे। तो यहां पर उसने पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, इसका मतलब अगर मैं ये निकाल लूं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, तो उसके बाद बाकी के जो बचेंगे वो दोनों विषयों में फेल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो जब कभी भी हमसे ये पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो पहले ये देखो कि ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं जो कम से कम एक विषय में पास हुए। तो पास होने वाले विद्यार्थी निकालेंगे जो कम से कम एक विषय में पास हुए, तो 73% दोनों में पास हुए उसमें ये भी आएंगे, प्लस या ये कह सकते हैं कम से कम एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी होंगे ए यूनियन बी, ऐसे ही 7% ये प्लस 12% ये, सभी को जोड़ देंगे तो ये एक एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, ये दोनों में पास होने वाले, तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हो जाएंगे 73 और 7 80 और 12 कितने 92% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास अवश्य हुए हैं, या तो ओनली मैथ में या ओनली इंग्लिश में या दोनों में ऐसे हैं। लेकिन हमसे उसने पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो इसका जो टोटल आयत का मान है, मतलब कुल विद्यार्थी अपने आप में होते हैं 100%, टोटल विद्यार्थी अपने आप में होते हैं 100%, 100% में से 92% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास अवश्य हुए हैं, किसी एक में, चाहे एक में या दो में, कम से कम एक विषय में पास अवश्य हुए 92%, तो दोनों विषयों में फेल। बाकी के जो विद्यार्थी बचे वो कौन से बच्चे होंगे जो दोनों विषयों में फेल हुए, वही तो बचेंगे। तो 100% में से अगर मैं कम से कम एक विषय में पास होने वाले 92% घटा दूं तो फेल वाला परसेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 100 में से 92 को माइनस करेंगे तो फेल कितने हो गए, 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। तो एक दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के परसेंटेज में से किसी न किसी एक विषय में पास होने वाले परसेंटेज को घटा देंगे तो फेल होने वाले आ जाएंगे। जब कभी भी हम रेक्टेंगल में ऐसे सर्किल बनाएंगे, दो वेन डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें जब ये पास होने वालों को दर्शा रहे होंगे तो फेल वाले बाहर हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेक्टेंगल है ये दर्शाएगा। आयत जो है ये कुल विद्यार्थियों को दर्शाएगा जो 100% होते हैं, और ये जो वृत्त हैं ये उनको दर्शाएंगे जिनका परसेंटेज दिया है, जैसे पास वालों का परसेंटेज लिखा है हमने तो ये पास वाले विद्यार्थियों को दर्शा रहे हैं। उसके बाद जो फेल वाले बचेंगे वो इसमें जो ये ब्लैक वाली लाइनिंग है ये उस भाग को दर्शा रही है जो फेल वाले विद्यार्थी हैं। पास वाले कौन से हैं, 80, 7, 73 और 12 कितने हो गए, 92% ऐसे जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 100% विद्यार्थियों में से 92% को घटा देंगे तो बाकी के 8% दोनों विषयों में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, 8% हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, ये हमने क्वेश्चन जो है पास वाले से किया, ये पास फेल वाला जो है ना यही इसमें सबसे मतलब टफ समझने वाला कंसेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी में तो कुछ नहीं है, बाकी बहुत आसान है। अब देखना इसी क्वेश्चन को मैं एक और दूसरे तरीके से करूंगा, और वो दूसरे तरीके से मतलब आपको आपको भटकाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं आपके कंसेप्टों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं दूसरे तरीके से, जिससे आपके समझ में सारी चीजें एक एक चीज आ जाए इस वेन डायग्राम की। तो देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें भी सेम करने का तरीका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेक्टेंगल का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको 100% मानेंगे हम, 100% होते हैं कुल विद्यार्थी, 100% होंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। उसके बाद इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है।
ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मैंने ये अभी पास वाले लिए थे तो मैंने आपको बताया कि अगर ये वेन डायग्राम में हम पास वाले लेंगे तो इसमें जो बाकी जो बचेगा इस सर्किल से अलग, सर्किलों से अलग जो भाग बसता है, मेरे कहने का मतलब ये वाला जो भाग इस आयत में बसता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल 100% मतलब आयत का जो मान है वो 100% है, तो ये फेल पास वालों का होगा किसी एक का, तो उसके बाद जो बचता है, अगर ये फेल वाले यहां लिख रहे होंगे हम तो यहां पास वाले बचेंगे, दोनों विषयों में पास वाले आएंगे, और अगर हम पास वाले लिख रहे होंगे तो यहां फेल वाले बचेंगे। तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहां पास वाले लिखे थे तो यहां फेल वाले आ गए थे, अब ये वाला जो भाग है ना वो दोनों सब्जेक्टों में पास वालों का भाग होगा, ये ब्लैक वाला जो है, रेड वाला मैथ वाले में। अब हम यहां पर वेन डायग्राम में फेल वाले लिखेंगे, तो फेल वाले कैसे लिखेंगे, 80% अंग्रेजी में पास हुए तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे, तो अंग्रेजी में अगर टोटल 100 अंग्रेजी के अगर विद्यार्थियों की बात करें ना, केवल इंग्लिश के विद्यार्थी तो वो अपने आप में 100% होंगे, केवल मैथ के विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे, ऐसे ही मान के चलो मार्कर भी अपने आप में 100% है लेकिन इसका कैप निकाल दे तो कम हो जाएगा, तो वही वाली चीज है। ऐसे ही इंग्लिश में टोटल 100% विद्यार्थी तो बैठे हैं ना उस पेपर में, उसमें से 80% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, अब आपको ये लेना है, तो 100 में से 80 को घटाएंगे तो इंग्लिश में फेल हुए होंगे 20%, इसका मतलब इंग्लिश में फेल हुए होंगे 20%, मैथ में कितने परसेंट फेल हुए होंगे, मैथ में 85% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 100 में से उसको घटाएंगे तो 15%। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फेल वाला परसेंटेज ले रहा हूं, 15% फेल हुए होंगे, उसके बाद क्या होगा कि 73% दोनों विषयों में पास हुए हैं, इसका मतलब दोनों विषयों में पास होने वाला कौन सा होता है, दोनों विषयों में पास होने वाला ये होता है जो बचा भाग है, जब हम ऊपर वेन डायग्राम में जो सर्किल है, ऊपर वेन डायग्राम में जो सर्किल है ये फेल वाले परसेंटेज को दर्शा रहे हैं, तो आयत में जो भाग बचेगा वो दोनों विषयों में पास वालों का बचेगा, और जब ये वेन डायग्राम पास वाले परसेंटेज को दर्शा रहे होंगे तो आयत में जो भाग बचेगा वो दोनों विषयों में फेल वालों का बचेगा, जो मैंने पीछे सॉल्यूशन कराया है, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने, 73%, तो ये जो 73% मान है वो इसका होगा। अब बताइए, अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, जैसे मैं समझाऊं वैसे क्वेश्चन को करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूले बताए थे वो केवल समझाने के लिए बताए थे, यहां पर आपको कंसेप्चुअल चलना है, कंसेप्ट को समझना है, जो मैं बता रहा हूं इसमें से इसको ये 100 में से 73 को क्यों घटा रहे हैं या 15 में से इसको क्यों घटा रहे हैं, इन चीजों को समझना है, घटाना जोड़ना, फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूले को नहीं रटना है। तो 73% कौन से हो गए, दोनों विषयों में पास वाले, तो अगर मैं 100% में से 73% को घटा दूं तो बाकी की वैल्यू कौन सी आएगी, तो ये आयत का मान 100% है, 73% ये बाकी जो बाहर खाली भाग है इसका है, तो इसको घटा देंगे तो वेन डायग्राम के अंदर वाला कुल मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 100% में से यहां से मतलब मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, तो 100% में से सबसे पहले दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी घटा दूं तो 73% घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बाकी का जो 27% आएगा ये कौन से विद्यार्थी होंगे, ये 27% वो विद्यार्थी होंगे जो किसी न किसी एक विषय में कम फेल हुए हैं, या तो मैथ में या इंग्लिश में या दोनों में, इसमें वो वाले विद्यार्थी हैं, इस 27% इन पूरे सर्किलों का मान है, इन पूरे सर्किलों का मान है, तो सबसे पहले हमें ये पता लग जाए कि ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में फेल वाले विद्यार्थी निकालेंगे मैथ्स एंड इंग्लिश में, मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में फेल वाले विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे, एन ए हमने पढ़ा है, दोनों में फेल का मतलब हमें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, यूनियन हमारे पास ये आ गया 27%, 27% कौन सा मान है, 27% इन वेन डायग्रामों का टोटल मान है, 15% और 20% को अगर मैं जोड़ दूं तो उसमें क्या होगा, देखना ऐसे समझना, अगर मैं 15% और 20% को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 35% हो जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 35% हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर कौन कौन सा भाग आ गया, ये वाला भाग आ गया, ये वाला भाग हो गया, और ये वाला भाग दो बार आ गया, लेकिन इस 27% में ये वाला भाग जो है, 27% में क्या है, 27% में ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, और ये वाला मतलब टोटल भाग है, ये एक बार है, तो अगर मैं 27% को 35% में से घटा दूं तो केवल ये वाला भाग एक बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोबारा समझेंगे, 15% और 20% को मैं जोड़ दूं तो क्या होगा, 15% में यहां तक ये भाग आ जाएगा,
देखो जोड़ने पर क्या होगा, मैं दर्श बता ही देता हूं। 15% में ये वाला भाग यहां तक आ जाएगा, यहां तक, और 20% में ये वाला भाग यहां तक आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो 35% किया है उसमें ये भाग दो बार आ गया कि नहीं आ गया, देखो ब्लू वाली लाइन इसमें भी जा रही है और रेड वाली इसमें भी आ रही है, दो बार आ गया। जबकि 27% क्या है, 27% इनका टोटल मान है। 27% क्या है वो मैं बता देता हूं, 27% में क्या है, 27% में ओनली मैथ भी है ये भी, और ये वाला भाग मात्र एक बार है। इसका मतलब अगर 27% को 35% में अगर मैं माइनस कर दूं, 35% में से 27% को माइनस कर दूं, तो बाकी का जो 8% आएगा वो कॉमन आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा, ये वाला भाग। इसका मतलब दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी आ जाएंगे। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 8%। अब 20 में से 8 को घटा देंगे तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले हो जाएंगे 12%। ऐसे 15 में से 8 को घटा देंगे तो ओनली मैथ्स में फेल होने वाले हो जाएंगे 7%। तो ये यहां से टोटल। अब उसने हमसे क्या पूछा था, बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताओ कितने परसेंट हुए। तो आप कहेंगे कि सर 8% फेल हुए, तो 8% ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे पीछे और इसमें क्या अंतर है, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने यहां पास वालों का परसेंटेज लिया था, तो यहां दोनों विषयों में फेल वाले आए थे और कुल विद्यार्थी, तो टोटल आयत का मान जो है, टोटल आयत का मान 100% है ही। तो वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व किया तब भी आंसर 8% ही आया था। अब मैंने कैसे सॉल्व किया कि यहां फेल वाले लिए, फेल वाले परसेंटेज लिए, तो यहां पर दोनों विषयों में पास वाले आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से दोनों विषयों में पास वाले घटा के पहले 27% वो निकाल लिए जो कम से कम एक विषय में फेल अवश्य हुए। इसका मतलब ये ए यूनियन बी का मान है, मतलब इंग्लिश और मैथ के यूनियन का मान है 27%। तो यूनियन क्या होता है कि दोनों सर्कलों का कुल मान, ये भी आएगा उसमें, ये भी आएगा और ये भी आएगा। फिर मैंने क्या किया, 15 और 20 को एक बार जोड़ दिया। अगर फॉर्मूले से समझे तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बताया था ए यूनियन बी कितना है 27%, एन ए कितना है, एन ए कितना है 20%, एन बी कितना है 15%, और ये निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया 27। 35 को इधर लाएंगे तो -8% बराबर एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 8%। वही काम मैंने बस आपका डायरेक्ट कर दिया, कैसे माइंड से समझ के उसको डायरेक्ट कर दिया, 35% में से 27% को माइनस कर दिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 8% के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। अब हम देखेंगे इसी आधार पर और क्वेश्चन कुछ, तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का एक और दूसरा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखा करे करने की कोशिश किया करो। देखो एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में तथा 60% गणित में पास हुए, 25% दोनों विषयों में फेल हुए तथा 480 छात्र परीक्षा में पास हुए, ज्ञात कीजिए कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे, कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे हमसे ये पूछा इस वाले क्वेश्चन में, कुल कितने छात्र बैठे परीक्षा, मतलब 100% का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है। तो देखो जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन के दो तरीके बताए हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो दोनों में से किसी से भी चले जाइए उससे कर लेंगे आप, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। तो देखो जो परसेंटेज हमको दिए हैं क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, लेकिन अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है हम वैसे चलेंगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे वेन डायग्राम के दो समुच्चयों वाला मैंने बिल्कुल धीरे धीरे पहले क्वेश्चन में और उससे पहले कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अब बस मैं आपको एक अप्रोच से क्वेश्चन कराते चलूंगा, दूसरी अप्रोच से आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरे क्वेश्चन को हमने, तो परीक्षा में जब क्वेश्चन करेंगे आप, एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो परसेंटेज दिया हो उसी से करते चलें, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, एक तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरे तरीके से आप खुद बैठ के करेंगे, घर पर बैठ के करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले, सीधा सीधा वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अब सीधा वेन डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब हमें एन ए यूनियन बी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक वेन डायग्राम एक सब्जेक्ट का हो गया और दूसरा वेन डायग्राम दूसरे सब्जेक्ट का हो गया,
हमें बस माइंड में पता है कि ये टोटल आयत जो है, ये टोटल स्टूडेंट हैं जो 100% होते हैं। ठीक है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, 100%। अब ये एग्जाम की अप्रोच से मैं क्वेश्चनों को बस कराता चलूंगा। अब आपको सारी चीजें मैंने बता दी हैं। उसके अलावा दो सब्जेक्ट कौन से हैं, इंग्लिश और गणित। तो ये वाला मैंने मान लिया इंग्लिश का है। एग्जाम में कभी भी पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखना, बस पहचान लिख लेनी है, ये मैथ्स हो गया, ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में 75% स्टूडेंट और गणित में 7% पास हुए, इसका मतलब इंग्लिश में 75% मैंने इधर लिख लिया, मैथ्स में 60% पास हुए वो मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में कितने पास हुए हैं, 60%, उसको मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए, 25% दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में फेल वाले कहां आएंगे, दोनों विषयों में फेल वाले कहां आएंगे, ये वाला जो भाग है, क्योंकि ऊपर 60 और 75 क्या है, पास होने वाला, तो वेन डायग्रामों में अंदर पास होने वाले आएंगे, दोनों विषयों में फेल वाले इधर आएंगे। तो कितने हैं दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी हैं 25%, वो यहां आएंगे। ठीक है, अब 100% में से 25% को घटा दूं तो बाकी ये जो सर्किल है इनका मान आ जाएगा। तो इनका मान कितना आ जाएगा, तो इनका मान निकालेंगे हम, तो इनका मान हो जाएगा 100% टोटल आयत का मान है, उसमें से 25% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो बाकी के जो बचेंगे कितने परसेंट, 75% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ओनली इंग्लिश ओनली मैथ, तो दोनों में पास होने वाले, टोटल ये 75% है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे, उसके लिए उसने हमें 480 छात्र परीक्षा में पास हुए ये दिया है, उसने हमें ये दिया है 480 छात्र परीक्षा में पास हुए, उसके बाद पूछा कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे। तो इसका मतलब यहां पर 75% इंग्लिश में पास हुए, 60% मैथ में पास हुए, 75% छात्र ऐसे हैं वो इनमें पास हुए हैं। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं जो इंग्लिश मैथ दोनों में पास हुए हैं। तो इंग्लिश मैथ दोनों में पास वाले ही तो पास माने जाएंगे, तो दोनों में पास निकालेंगे, मतलब ये इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से 75 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए। मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, 75 और 60 को जोड़ा, तो इनको जोड़ते ही मुझे पता लग गया कि उसमें ये भाग आ गया, ये भाग आ गया, और ये भाग दो बार आ गया, और इसमें क्या है, इसमें ये भाग है, ये भाग है, और ये एक बार है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से इसको घटा दिया, तो जो बचा वो दोनों वाला भाग एक बार आ गया, तो 60%। तो ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए, ओनली इंग्लिश में 15% पास हुए। ओनली मैथ में कितने परसेंट पास हुए, तो ओनली मैथ में 0% पास हुए, क्योंकि 60 में 60 को हटाएंगे 0%, और दोनों में पास हुए 60%। इसका मतलब 60% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं दोनों विषयों में। उसने यही कहा है कि 480 विद्यार्थी छात्र परीक्षा में पास हुए, इसका मतलब 480 कितने परसेंट का मान होगा, 60% का। तो 60% का मान बराबर होगा 480 के, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे 8 बार, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 8। कुल विद्यार्थियों के लिए 100% का मान निकालेंगे, तो 100 × 8, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 800। कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे करना है, कैसे करना है, 75-60। वैसे बस आपके माइंड में यहां पर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर एन ए एन बी एन इंटरसेक्शन बी एन ए यूनियन बी लिखने का, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला लिखेंगे ना उतने टाइप में, तो एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा और वो फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परीक्षा में समय को बचाना है, वेस्ट नहीं करना। तो समय के बचाने के लिए हमें क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें फॉर्मूले कम से कम अप्लाई करने पड़े। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं, केवल कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट का मतलब ये क्या है, 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 इसमें से अगर इसको घटा दूंगा तो ये भाग आ जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये भाग आ जाएगा, इसमें ये दो बार आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये दोनों में जो कॉमन है वो वाला भाग आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये भाग आ जाएगा। घटाने का मतलब आप बस वेन डायग्राम से समझिए ना, फॉर्मूले को घटने की क्या जरूरत है, कि ये भाग टोटल 75 है, इसमें से केवल ये 60 है, तो केवल इधर कितना बचा, कैसे निकालेंगे ये 75 में से 60 को घटाकर। ऐसे ये भाग टोटल 60 है, इसमें से ये जो है, वैसे ईमानदारी से ये 0%, इसका मतलब ये सर्किल इसके पूरा अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें तो भाग भाई 0% का मतलब ये भाग में कुछ नहीं है, ऐसे ही ये 60% हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी है, फॉर्मूले नहीं रटने, फॉर्मूले रटोगे तो भाई
क्वेश्चन को करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, पहले आप फॉर्मूलों को लिखोगे फिर उसमें वैल्यू पुट करोगे, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं करना। ऐसा आपको एडवांस मैथ में किसी भी टॉपिक में नहीं करना, बस माइंड में कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये इसका कंसेप्ट क्या है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये मैंने बता दिया एक और दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। चलो इसमें और बता देता हूं मैं एक बार, फिर अगले क्वेश्चन से आप खुद करेंगे। अगर मैंने जैसे ये पास वाले लिए ना, ऐसे में फेल वाले भी लेके चल सकता हूं, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोनों वेन डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को इतनी फास्ट आपको सॉल्व करना है, बहुत फास्ट। जैसे मैं देखो यहां पर करूंगा, अभी ये हो गया, एक सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, दूसरा सब्जेक्ट मैथ, बस पहला लेटर लिखना है, टोटल लिखने की जरूरत नहीं। 75 छात्र अंग्रेजी में, 60% गणित में। तो अभी हमने इस वेन डायग्राम में पास वाले लिए थे, अब मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं तो फेल वाले लूंगा, तो फेल वाले लेंगे तो 75% अंग्रेजी में पास हुए, तो फेल कितने होंगे अंग्रेजी में, 75 को 100 में से घटाएंगे तो 25% अंग्रेजी में फेल होंगे। ऐसे ही मैथ में 60% पास हुए हैं तो मैथ में फेल कितने होंगे, 40%। दोनों में फेल कितने हैं, 25%। इसका मतलब 25% यहां आएगा बीच में, 25 में से 25 को हटाएंगे तो ओनली इंग्लिश में 0% फेल, 40 में से इसको हटाएंगे तो ओनली मैथ में 15% फेल। ठीक है, तो कितने फेल हो गए टोटल, तो आप देखेंगे कम से कम एक विषय में फेल वाले निकालेंगे, मतलब ये टोटल निकालेंगे तो 15 और 25 कितना होगा, 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं कम से कम एक सब्जेक्ट में। तो पास वाले कौन से हो गए, तो जब ये फेल वाले हैं वेन डायग्राम वाले, तो ये वाला जो भाग बचा ये कौन सा वालों का होगा, दोनों सब्जेक्टों में पास वालों का होगा। टोटल विद्यार्थी कितने, 100%। 100% में से 40% को माइनस करेंगे तो बाकी के 60% कौन से आ गए, दोनों विषयों में पास। इसी 60% का मान हमें दिया है 480, 60% की वैल्यू हमें दी है 480 के बराबर, तो 60 से 8 बार कट जाएगा तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 8। टोटल विद्यार्थियों के लिए 100% का मान तो कितने हो गए, 800 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट पता है करते चले जाएंगे। हमें पता है इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू क्या है, सारी चीजें हमें अगर पता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों तरीके से बता दिया, देखेंगे आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे जरा स्क्रीन पे, देखो बेटा समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको पीछे कराए हैं, कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, अब परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में पास हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, जब 288 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। थर्ड क्वेश्चन सेम जो मैंने पहले दो क्वेश्चन कराए सेम वैसा ही है भाई, करने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं आपको बता देता हूं, वेन डायग्राम बना लेता हूं, आप करने की कोशिश करेंगे। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट अलग और दूसरा सब्जेक्ट, ये मैं आपको अलग अलग कलर से इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये यहां तक की वैल्यू कितनी है, यहां तक की वैल्यू कितनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश है और एक मैथ है, हर एक में इंग्लिश मैथ चल रहा है भाई, ये दोनों इंपोर्टेंट है सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है दोनों, इंग्लिश और मैथ। तो देखो 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए, अंग्रेजी में कितने पास हुए भाई, तो आप इसे इधर लिख देंगे 70%, ये 70% पूरे रेड कलर वाले सर्किल का मान है। ऐसे 80% गणित में, तो 80% जो है वो पूरे जो ब्लू कलर का मैथ वाला है, मतलब मैथ में जो पास हुए उसका टोटल का मान है। इस 80% में ये वाला भाग भी है ओनली मैथ वाला, और ये वाला भाग भी है, 70% में ये भी है और ये भी है। ठीक है, उसके बाद 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में फेल वाले कहां आएंगे, तो दोनों विषयों में फेल वाले 10% आएंगे यहां, और टोटल आयत का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 100%। 100% में से 10% को घटा देंगे तो 90% मान क्या होगा, तो 90% मान इन सर्किलों का होगा, इन सर्किलों का टोटल मान कितना होगा, 90%, या ये कह सकते हैं ये यूनियन होगा, मतलब इंग्लिश और मैथ में कुल विद्यार्थी कितने पास हुए ये होगा 90%। 100 में से 10% को घटाएंगे, 10% ये वाला भाग है,
जो मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला जो भाग है वो 10% है। तो अगर मैं इसको 10% को 90 में से घटा दूं तो बाकी ये वाला टोटल भाग बच जाएगा 90। अब फिर वही बात आ गई कि 70 और 80 को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 70-80 को जोड़ने पर। अगर 70 और 80 दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 150। इस 150% में क्या होगा, इस 150% में ये वाला भाग आ जाएगा एक बार, ठीक है। और उसके अलावा इस 80% में ये वाला भाग आ गया। इसका मतलब इस 150 में क्या क्या है, 150 में ये वाला भाग भी है, ये वाला भाग भी है, और ये वाला जो कॉमन है ना ये दो बार है। जबकि 90% में क्या है कि ये वाला भाग भी है, ये वाला भाग भी है, और ये एक बार है। तो इसका मतलब इस 150 में से 90% को घटा देंगे तो बाकी का जो 60% बचेगा वो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो भाग है ना इसकी वैल्यू आ गई प्यारे विद्यार्थियों कितने परसेंट, 60% दोनों विषयों में पास। तो केवल इंग्लिश में पास कितने आ गए, 10%, क्योंकि 70 में से 60 को माइनस कर देंगे, 80 में से 60 को माइनस, केवल मैथ में पास वाले कितने आ गए, 20%। अब यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई, 70% इंग्लिश में पास हुए, 80% मैथ में पास हुए, 60% दोनों में पास हुए, 10% केवल इंग्लिश में पास हुए, 20% केवल मैथ में पास हुए, 10% दोनों में फेल हुए, टोटल विद्यार्थी 100%। 1% का मान निकालने के लिए क्या दिया है, दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास कितने हैं, 60%। तो 60% दोनों विषयों में पास है, तो 60% की वैल्यू बराबर दी है 288 के, ठीक है। तो यहां से 10% का मान निकालेंगे तो 6 से भाग दे देंगे, 24 48 बार जाएगा, भाई 10% का मान कितना आ जाएगा 48। उसने पूछा कुल छात्रों की संख्या 100%, तो 100% के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का इधर 10 का इधर, तो कितने हो जाएंगे 400 से 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 480, क्लियर है। तो मैंने ये एक तरीके से बता दिया जिसमें पास का परसेंटेज लिया, दूसरे तरीके से अब आप खुद करेंगे फेल वाले से। एक बार यहां फेल वाले रखेंगे तो दोनों विषयों में पास वाले यहां आ जाएंगे, 100% टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। कर सकते हैं आप इसको दूसरे तरीके से, अपने आप बैठ के करेंगे, देखेंगे आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, लगाएंगे जरा स्क्रीन पर जल्दी से। अब मैं केवल एग्जाम की अप्रोच से क्वेश्चनों को सोल्व करूंगा भाई फास्ट। अब मैं जो है दो दो तीन तीन तरीके और धीरे धीरे आपको चीजों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं, मेरे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, पहले आपको कंसेप्ट और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा सारी चीजें, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, उनको मैं फास्ट बताऊंगा, उनको आप समझते चलेंगे, नहीं समझ में आते हैं तो रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो आज की क्लास का भाई फोर्थ क्वेश्चन देखो, समझेंगे। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र हिंदी में हिंदी लेते हैं, या 27% छात्र एक भी भाषा नहीं बोलते, बोलते हैं, ये भाई बोलने की बात कर रहा है, बोलते हैं ये बोल रहा है, यदि 27% छात्र एक भी भाषा नहीं बोलते तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखो वेन डायग्राम, अभी तक पीछे वाले क्वेश्चनों में जो हमने तीन क्वेश्चन पढ़े कहीं भी उसमें यह नहीं दिया था कि इतने प्रतिशत विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया, लेकिन यहां पर उसने बोल दिया, यहां पर उसने बोल दिया कि 27% छात्र एक भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो देखो यहां पर ये जो टोटल आयत है ना, ये आयत जो मैं बनाता हूं इसका मान टोटल 100% होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल भाषा बोलने वाले विद्यार्थी जो है न, मतलब टोटल इसका मान 100% है। उसके बाद इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे दो, क्यों, क्योंकि दो भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है और एक हिंदी है, कुछ इंग्लिश बोलने वाले हैं कुछ हिंदी बोलने वाले हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो रेड कलर से है ये हिंदी बोलने वाले हैं और जो ब्लू कलर से है ये इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 65% और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 70%। तो 70% छात्र इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे ही हिंदी बोलने वाले कितने हैं 65% छात्र जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। उसके बाद 27% छात्र एक भी भाषा नहीं बोलते। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 70% और 65% जो मैंने लिखा है तो इन वेन डायग्रामों में भाषा बोलने वाले व्यक्ति आएंगे, इसमें ना बोलने वाले व्यक्ति नहीं आएंगे। इस वेन डायग्राम में क्या होगा, केवल इंग्लिश बोलने वाले,
केवल हिंदी बोलने वाले और दोनों भाषाएं बोलने वाले, मतलब केवल बोलने ही वाले आएंगे। ना बोलने वाले कौन से होंगे फिर आप ये कहोगे, तो ना बोलने वालों का होगा ये। जैसे पास फेल वालों में अगर वेन डायग्राम में पास वाला परसेंटेज लिखते थे तो ये फेल वाले बसते थे यहां, और जब हम फेल वाला लिखते थे इसमें तो यहां पास वाले बसते थे। सेम उसी प्रकार से यहां हम अगर बोलने वाले लिखेंगे तो यहां ना बोलने वाले आएंगे, और अगर यहां पर ना बोलने वाले लिखेंगे तो बोलने वाले आएंगे। तो यहां बोलने वाले लिखे हमने तो वेन डायग्राम में बोलने वाले आएंगे, यहां पर ना बोलने वाले, तो ना बोलने वाले कितने परसेंट है, 27%। ये वाली वैल्यू होगी कितने परसेंट के बराबर, 27%। अब उसके बाद 100% में से अगर मैं 27% को घटा दूं, 100% में से अगर मैं माइनस कर दूं 27% को, तो बाकी के कितने बचे, तो बाकी के कितने बचेंगे, 73%। बाकी के 73% ऐसे विद्यार्थी आ गए जो कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, या हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलते हैं। ये 73% क्या है, 100% में से भाषा न बोलने वाले अगर मैं घटा दूं तो 73% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलते हैं, कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलते हैं, ये वो वाले विद्यार्थी हो गए। ये कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलते हैं वो वाले विद्यार्थी कौन से हो गए, 73%। अब उसके बाद अब क्या करना है कि अगर मैं 65 और 70% दोनों को जोड़ दूं, फिर वही वाली बात आ गई, 65 और 70 तो कितना हो जाएगा, 135% विद्यार्थी कौन से होंगे, जिसमें ये भी होगा, ये होगा 65% में, और 70% में ये होगा। तो इसमें क्या है, 135% में ये भी है, ये भी है, और ये वाला भाग दो बार है, देखो ओवरलैप हो रहा है, ब्लू वाली लाइन भी इसमें आ रही है, रेड वाली। इसका मतलब जब हमने ये 65% लिए तो ये दोनों में कॉमन आ गया इसमें, उसके अलावा जब हमने ये 70% लिए तब भी ये दोबारा आ गया। इसका मतलब इस 65 और 70 प्लस 135% में ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, दोनों में कॉमन भाग एक बार दो बार है, ठीक है। जबकि ये 73% क्या है, 73% में हिंदी बोलने वाले हैं, ओनली हिंदी बोलने वाले भी हैं, ओनली इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, और दोनों बोलने वाले भी हैं एक बार। मतलब 73% में ये वाला भाग भी है, ये वाला भाग भी है, और ये वाला भाग एक बार है। इसका मतलब अगर 73% को इसमें से मैं घटा दूं तो बाकी का जो बचेगा वो ये वाला भाग कॉमन वाला एक बार आ जाएगा। तो 135 में से इसको माइनस करेंगे 2, 6 तो कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 62%। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, इस वाले भाग का मान हो जाएगा 62%। अब उसके बाद ओनली हिंदी निकाल लो, ओनली हिंदी निकालेंगे तो 65 में से इसको माइनस कर देंगे, केवल हिंदी वाले आ जाएंगे 3%। ऐसे ही ओनली इंग्लिश निकाल लो तो 70 में से 62 को माइनस करेंगे तो ओनली इंग्लिश वाले आ जाएंगे 8%। अब हमारे साथ पास सारी चीजें क्लियर हो गई, 70% इंग्लिश बोलते हैं, 65% हिंदी बोलते हैं, 3% केवल हिंदी बोलते हैं, 62% दोनों भाषाएं बोलते हैं, 8% केवल इंग्लिश बोलते हैं, 27% कोई भी भाषा नहीं बोलते, और टोटल विद्यार्थी 100%। अब उसने पूछा कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो आंसर कितना हो गया, 62%। कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करें दो एक बार तब देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो WhatsApp टेलीग्राम ग्रुप पर आप इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। उसके लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी जाती है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके उससे जुड़े टेलीग्राम चैनल में। देखो पांचवा क्वेश्चन करेंगे भाई, पांचवें क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताता हूँ इसको क्या कहा है क्वेश्चन में। 80 विद्यार्थियों की एक क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% अंग्रेजी बोलते हैं, यदि कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या, देख लो यहां पर आ गया, यही चीज की मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, वही चीज आ गई। यदि कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है तो बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वही वाली चीज हो गई फिफ्थ क्वेश्चन में, रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल में टोटल आ जाएंगे जिसमें बोलने वाले भी ना बोलने वाले भी जो भी टोटल लोग हैं, तो रेक्टेंगल का मान कितना हो जाएगा, 100%। उसके बाद बोलने वाले अगर हम वेन डायग्राम में बोलने वाले लेंगे तो वेन डायग्राम से बाहर ना बोलने वाले आ जाएंगे, और वेन डायग्राम में अगर ना बोलने वाले लेंगे तो वेन डायग्राम से बाहर बोलने वाले आ जाएंगे। तो 45% हिंदी बोलते हैं, और अंग्रेजी मतलब दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट इंग्लिश है,
टी से डिनोट कर लिया मैंने, एक सब्जेक्ट हिंदी है एस से डिनोट कर लिया। उसके बाद 80 विद्यार्थी क्लास में हैं, मतलब 100% का मान तो 80 है, ये तो हमें पहले ही पता लग गया। 40-45% हिंदी बोलते हैं, 45% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, उसके अलावा 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। इस चीज पे ध्यान रखना भाई, केवल इंग्लिश बोलते हैं 40%। इसका मतलब जो 40% मान होगा ना वो यहां आएगा, क्यों? क्योंकि केवल इंग्लिश वाले दिए, केवल ये वाला भाग दिया है मैंने। अब की बार 40 यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि केवल अंग्रेजी वाले दिए तो ये होगा, और 45% ये होगा टोटल। 45% क्या है, 45% ये है यहां तक, जिसमें दोनों में कॉमन वाला भाग भी है और ओनली हिंदी वाले भी हैं, ठीक है। उसके बाद यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद उसने कहा है कि यदि कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर हो तो बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या अगर मैं एक्स मान लूं, भाई अगर मैं कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या एक्स परसेंट मान लूं, तो इसका मतलब एक्स परसेंट ये वाला मान होगा, ये ना बोलने वाले बाहर ही तो आएंगे इन सर्किलों से, तो जब x परसेंट इसका मान होगा तो ये वाली वैल्यू उसने बराबर दी है कि जो भाषा दोनों भाषा बोलने वाले हैं और जो ना बोलने वाले हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब जब ये x परसेंट मैंने माना है तो ये भी कितना होगा, x परसेंट, ठीक है। उसके बाद ओनली हिंदी वाले निकालेंगे तो वो कितने होंगे, तो वो कहेंगे आप कि 45% सर टोटल है, उसमें से x परसेंट को घटा देंगे तो ओनली हिंदी वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहां से बस x का मान निकालना है, तो इसका मतलब अगर मैं 100% में से इसको घटा दूं, तो 100% में से अगर मैं x परसेंट को घटा दूं तो ये वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, इसमें से इसको घटा दूं तो ये वैल्यू इन सर्किलों की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तो इस सर्किलों की टोटल वैल्यू कितनी है, तो 45% में तो ये आ गया टोटल, x परसेंट मैंने मान लिया है, ये 45% में यहां तक आ गया और 40% में ओनली ये आ गया, तो 40 और 45 अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो टोटल भाषा बोलने वालों का नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो इस वाली चीज को, ही ध्यान से समझो, इसमें यही पॉइंट है बस। मैंने अभी जो 45% लिखे हैं, ये 45% कहां तक की वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि सर 45% यहां तक की वैल्यू है, ठीक है, यहां तक की वैल्यू है कि नहीं 45%। ये 100% में से x को घटाने पर क्या आया है, 100% में से इसको घटाने पर ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान एक बार आया है, एक बार आया कि नहीं आया, वही चीज तो आती है, वही चीज तो आती है। और जब मैं 45 और 40 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 40 में ये आ जाएगा, 45 में ये और ये आ जाएगा, मतलब यही चीज आ जाएगी जो ये है। इसका मतलब 100% माइनस एक्स करने पर भी हिंदी और इंग्लिश का यूनियन आ रहा है, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ने पर भी वही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर भी तो इन सर्कलों का टोटल मान आएगा, तो 100 माइनस एक्स परसेंट की वैल्यू 45 प्लस 40 85% के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 15%। इसका मतलब दोनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या कितनी है, 15%, और कोई भाषा न बोलने वालों की संख्या कितनी है, 15%। अब मेरा क्वेश्चन हो गया, अब ये वाली वैल्यू भी आ गई 15% और ये वाली वैल्यू भी आ गई 15%, ओनली हिंदी बोलने वाले हो जाएंगे कितने परसेंट, 30%। 45 में से 15 को माइनस करेंगे, अब सारी चीजें क्लियर हो गई। 45% हिंदी बोलने वाले हैं, 30% केवल हिंदी बोलने वाले हैं, 15% दोनों बोलने वाले हैं, 40% केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कोई ना कोई भाषा अवश्य बोलते हैं वो 40 और 35, 70 और 15, 85%, और ऐसे विद्यार्थी जो कोई भाषा नहीं बोलते 15%, 85 प्लस 15 100 हो गया। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 और ये 85 है। अब पूछा क्या, ये देख लो, उसने पूछा कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं 30%, और 100% का मान कितना दिया है 80, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू बराबर दी है 80 के, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, तो 10% का मान हो जाएगा 8। केवल हिंदी वालों के लिए 30% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 3 तो 8 3 24 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ओनली हिंदी बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया, 24 हो गया। चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करने की कोशिश करेंगे 6 क्वेश्चन को जल्दी से फास्ट, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चनों की कि कहीं भी कोई भी डाउट बचेगा नहीं आपका। देखो 6 क्वेश्चन,
एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए तथा 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए जिनकी संख्या 16 है तो बताइए कि कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए। 16 क्या दिया है, 10% छात्र जो दोनों विषयों में फेल हुए। कैसे भी कर सकता हूं मैं, फेल से लेके कर सकता हूं, पास से लेके कर सकता हूं, जैसे मेरा मन करेगा वैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं भाई, जैसे मेरा मन करेगा वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ये हो गए टोटल विद्यार्थी 100%। उसके बाद इसमें दो तरह के विद्यार्थी होंगे, पास वाले फेल वाले। तो वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में अगर हम पास वाले लेंगे तो बाकी के फेल वाले बचेंगे। जैसे ये अगर वेन डायग्राम में हम पास वाले लेंगे तो इधर जो बचेंगे ये फेल वाले बचेंगे, और अगर हम वेन डायग्राम में फेल वाले लेंगे तो इधर पास वाले बचेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, गणित और अंग्रेजी। तो ये देखो मैथ्स को एम से डिनोट कर देते हैं और इंग्लिश को ई से डिनोट कर देते हैं। अब देख लेते हैं 45% छात्र गणित में फेल हुए, तो गणित में कितने परसेंट फेल हुए, 45%। तो 45% मान कहां का होगा, 45% मान यहां से लेके यहां तक का होगा टोटल। उसके बाद इंग्लिश में कितने, 35% फेल हुए, तो 35% जो मान होगा वो इस पूरे वेन डायग्राम का होगा यहां से लेके यहां तक। उसके बाद 10% दोनों में फेल हुए, तो 10% कॉमन, जो कॉमन है वो उसका मान दिया है, तो कॉमन का मान कितना दिया है भाई, कॉमन का मान दिया है 10%। तो 10% को अगर मैं 45 में से घटा दूं तो 45 में से 10 को घटाएंगे तो 35% केवल मैथ में फेल हो जाएंगे, ओनली मैथ्स वाले हैं। ये कौन से हैं, ओनली मैथ्स में फेल। ऐसे ही 35 में से 10 को घटा दें तो 25% ये केवल इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद कितने हो गए, अब उसने कहा है तो बताइए कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए, ये पूछा है उसने, केवल गणित में पास विद्यार्थी हमको बताने हैं। तो इसका मतलब ये 35% इंग्लिश में फेल हुए, 45% मैथ में, 10% दोनों में फेल हुए। अब ये देखो कि टोटल फेल कितने हो गए। अगर हम बात करें तो टोटल फेल मतलब इन वेन डायग्रामों की वैल्यू कितनी होगी, तो 35 और 25 कितनी हो गई, 60 और 10 70। इसका मतलब 30% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, है कि नहीं भाई। 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, क्योंकि ऊपर फेल वाला है तो यहां पर परसेंटेज कौन सा आएगा, पास वाला। अब उसने कहा कि जिसका मान 16 है तो 10% का मान कितना दिया है, 10% की वैल्यू हमें बराबर दी है 16 के। हमें उसने पूछा तो बताइए कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए, मतलब दोनों में पास हुए हैं 30%। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा केवल गणित में पास होने वाले विद्यार्थी बताइए, तो आप ये बताइए गणित में फेल हुए कितने हुए। तो गणित में फेल हुए 45%, यहां पर हमें केवल मैथ में पास वाले बताने। तो देखो भाई एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी यहां पर केवल में आंसर पूछा हो, जैसे कितने विद्यार्थी केवल मैथ में पास हुए, तो केवल मैथ में अगर केवल में आंसर पूछा हो, तो अगर पास वालों का पूछा हो तो वेन डायग्राम में आप पास वाले ही लें, और अगर फेल वालों का पूछा हो तो वेन डायग्राम में आप फेल वाले ही लें। मेरे कहने का मतलब यहां पर अगर केवल लगा के कोई आंसर पूछा हो, केवल गणित में पास, तो यहां पर क्या है, केवल गणित में फेल वाले हमने निकाले हैं और दोनों में फेल वाले निकाले हैं, टोटल दोनों में पास वाले 30% निकाले हैं। तो यहां से हम ये नहीं बता सकते कि केवल गणित में पास वाले कितने होंगे, ओनली गणित में पास वाले कितने होंगे, क्योंकि इंग्लिश में 35% जो है वो फेल हुए हैं, ऐसे ही मैथ में 45% फेल हुए हैं। तो मैथ में अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा, 45% मैथ में फेल हुए हैं तो मैथ में पास कितने होंगे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो मैथ्स में पास कितने होंगे, 100 में से 45 को घटा देंगे तो कितने प्राप्त, पास होंगे 55%। 55% मैथ में पास होंगे, 30% दोनों में पास हुए हैं। तो अगर मैं 30% को 55% में से घटा दूं तो बाकी के जो 25% आएंगे वो केवल मैथ में पास वाले आएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब केवल मैथ में 25%, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 16, और हमें 25% की निकालेंगे तो ओनली मैथ्स वाले आ जाएंगे। तो 10% का मान हमारा बराबर हो गया 16 के, 1% का मान हमारा बराबर हो गया 16/10, और हमें ओनली मैथ्स के लिए निकालना है 25% का मान, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 5 से कैंसिल करेंगे दो बार, 5 से 5 बार, 2 से 8 बार, तो 8 पंजे कितना आ जाएगा,
40 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल मैथ में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी केवल गणित में पास ऐसे पूछा हो तो उस केस में अगर आप यहां पर फेल वाले लें तो केवल वाले निकालने के लिए आपको यहां से स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे? 30% दोनों में पास हुए और 45% मैथ में फेल हुए, तो पहले पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, तो 45 को पास में कन्वर्ट करेंगे तो पास वाले हो जाएंगे 55%, 55 में से दोनों में पास घटा देंगे तो केवल मैथ में पास आ जाएंगे 25%, तो 25% का मान निकाल लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जब इस प्रकार से केवल मैथ में पास, ऐसे ही केवल इंग्लिश में पास ऐसे क्वेश्चन पूछा हो तो उस केस में जो पास वाले पूछे हो तो वेन डायग्राम में पास वाले लें, और फेल वाले पूछे हो तो फेल वाले लें, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। हो तो देखो यहां से भी गया, लेकिन यहां पर कुछ स्टेप बढ़ गए। अगर हम यहां पर सीधे ही पास वाले लेके चलते तो केवल पास वाले पहली बार में ही डायरेक्ट आ जाते, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं इसको एक और तरीके से पास वाले से बता देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। दोनों तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमें एग्जाम में यह भी ध्यान रखना है कि शॉर्ट किससे पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहचान बता देता हूं कि जब क्वेश्चन में हमसे केवल किसी एक सब्जेक्ट में पास या फेल पूछे हों, तो केवल एक सब्जेक्ट में पास पूछे हों तो आप वेन डायग्राम में पास वाले लें, और अगर केवल एक सब्जेक्ट में फेल वाले पूछे हों तब आप वेन डायग्राम में फेल वाले लें। तो अभी जो हमने पीछे क्या किया था, हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, तो हमने डायरेक्ट वेन डायग्राम में फेल वाले ले लिए थे। लेकिन अगर मैं इस चीज पे ध्यान देता तो मैं फेल वाले नहीं लेता, मैं पास वाले लेता। फिर फेल वाले कहां रहते? फेल वाले इस जगह पे रहते, दोनों विषयों में फेल वाले यहां रहते और वेन डायग्रामों में पास वाले रहते। दो सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश, तो इसमें मान लेते हैं मैथ वाले हैं और इसमें मान लेते हैं इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें कि जैसे ये केवल गणित में पास पूछा है ना, तो अगर यहां फेल दिया तो उसको पास में कन्वर्ट करना है। तो 45% गणित में फेल हुए तो गणित में पास कितने हो जाएंगे? तो 45 को 100 में से घटाएंगे तो गणित में पास हो जाएंगे 55%। ऐसे इंग्लिश में 35% फेल हुए तो इंग्लिश में पास कितने हो जाएंगे? 65%, ठीक है। उसके बाद उसने क्या है, 10% दोनों में फेल हुए तो दोनों में फेल वाले यहां की वैल्यू होगी 100% और यहां की वैल्यू आ जाएगी 10%, ठीक है। 100% में से 10% को माइनस करेंगे तो 90% इन वेन डायग्रामों का मान आ जाएगा। अब हम 55 और 60 को दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? तो 5 और 5 10 1 और 6 और 5 11 120%। 120% में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 90% को तो 30% आ जाएंगे दोनों विषयों में पास वाले। तो दोनों विषयों में पास वाले कितने आ जाएंगे? 30%। 55 में से 30 को माइनस करेंगे तो केवल मैथ में पास वाले आ जाएंगे 25%। 35 में से इसको माइनस करेंगे तो केवल इंग्लिश में पास वाले आ जाएंगे 35%। अब उसके बाद दोनों में फेल 10% का मान, दोनों में फेल 10% का मान हमें बराबर दिया है 16 के। हमें निकालना है केवल मैथ में पास, तो कितने परसेंट है? 25%। तो 25% का मान निकालेंगे तो 25% का मान, 1% का मान यहां से कितना आ जाएगा? 1.6। तो 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 का, तो 16 पंजे 6 16 दोनों बटते तो आंसर आ जाएगा 40। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अब देखो, अब आप कंपैरिजन कर लो कि जब मैंने इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से कराया था तो उसमें दो चार लाइनें बढ़ गई थी, और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर सीधा ओनली मैथ वाला परसेंटेज आ गया, तो हमें लाइनें नहीं बढ़ानी पड़ी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि लास्ट में जब आंसर केवल किसी सब्जेक्ट में फेल पूछा हो तो वेन डायग्राम फेल का बनाना है, पास पूछा हो तो वेन डायग्राम पास का बनाना है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ना हो, जल्दी हो जाए। इसलिए तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोनों तरीके बता दें और ये भी बता दिया शॉर्ट किससे पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट उसी से पड़ेगा कि जो यहां पर दिया है उसी का वेन डायग्राम में हम प्रदर्शित करें, मतलब यहां पास वाले का दिया है तो यहां पास वाले ही प्रदर्शित करें, फेल वाले ना करें, और फेल वाले भी करें तो क्वेश्चन तो देखो हो जाएगा कैसे भी कर लो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, दोनों तरीकों से हो जाएगा, लेकिन आसान कौन सा पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलते हैं अब आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बता तो दूंगा ही। देखो 7th क्वेश्चन, किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास होते हैं, अंग्रेजी में 55% छात्र प्राप्त, अंग्रेजी में 55% छात्र पास होते हैं। यह ज्ञात है कि दोनों विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी?
फेल से कर लो, पास से कर लो, कैसे भी कर लो, इसमें तो कोई परेशानी आने नहीं वाली है। तो पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई। तो ये टोटल 100% होगा, और उसके बाद इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे। तो अगर वेन डायग्राम फेल वालों के होंगे तो बाकी भाग जो बचेगा वो पास वालों का होगा, और अगर ये फेल पास वालों का होगा तो बाकी भाग जो बचेगा वो फेल वालों का होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम में दो सब्जेक्ट हैं, कौन से हैं, 40% छात्र हिंदी में, 55% अंग्रेजी में। तो एक वेन डायग्राम हिंदी का बनेगा और दूसरा वेन डायग्राम इंग्लिश का बनेगा। हिंदी में 40% पास हुए, तो हिंदी में भाई 40% पास मतलब वेन डायग्राम पास वालों का है, तो यहां फेल वाले आएंगे। और अंग्रेजी में 55% पास हुए, तो अंग्रेजी में 55% पास हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। यह ज्ञात है कि, यहां से पढ़ेंगे, कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का 2 गुना है। इसका मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले यहां आएंगे, इसको मैं एक्स मान लूं, तो दोनों विषयों में फेल वाले यहां आएंगे, तो वो कितना होगा, 2x%। भाई सीधी सी बात है, दोनों विषयों में पास वाले यहां आएंगे क्योंकि हमने पास वाला लिया है वेन डायग्राम में, तो उसको अगर मैं एक्स परसेंट मान लूं, तो उसने कहा कि फेल होने वाले उसका 2 गुना है, तो वो 2x% होंगे। ठीक है, अब उसके बाद 100 में से अगर मैं 2x% को घटा दूं, तो 100% में से अगर मैं 2x% को घटा दूं, तो वेन डायग्राम की वैल्यू जो है उसके बराबर होना चाहिए। तो वेन डायग्राम की वैल्यू कितनी है, तो वेन डायग्राम की वैल्यू कितनी है ये निकालेंगे। तो 40% में से x को हटाएंगे तो केवल हिंदी में पास वाले आ जाएंगे, 40% माइनस एक्स, यही तो आ जाएंगे केवल हिंदी में पास वाले। केवल इंग्लिश में पास वाले 55 में से एक्स को हटाएंगे, तो केवल इंग्लिश में पास आ जाएंगे 55% और माइनस एक्स परसेंट, ये आ जाएंगे। तो टोटल वेन डायग्राम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 40 तो यहां तक ले लो, 55 मान वैसे इसको ले लो, तो या तो इसको इसमें जोड़ दो या इस वाली वैल्यू को इसमें जोड़ दो। तो इस वाली वैल्यू को इसमें जोड़ देते हैं, तो 55 + 40 कितना हो जाएगा, 95% और माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। बराबर होंगी तो 2x को इधर लेके जाएंगे, 95 को इधर लेके आएंगे, तो 100 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा, 5%, और 2x में से जाएगा तो कितना बचेगा, x%। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। उसने पूछा है कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, इसका मतलब x का मान 5 आ गया। अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, तो ये वाली वैल्यू कितने परसेंट हो गई भाई, 5%। दोनों में कॉमन वाली वैल्यू कितनी हो गई, 5%। उसके बाद ओनली हिंदी में पास होने वाले कितने हो गए, तो 40 में से 5 को माइनस करेंगे, केवल हिंदी में पास होने वाले हो गए 35%। ऐसे ही 55 में से 5 को माइनस करेंगे, तो केवल इंग्लिश में पास वाले हो गए 50%, और दोनों विषयों में फेल वाले कितने हो गए, 5 × 10%। अब देख लो क्या दिया है, तो उसने दिया है कि यदि दोनों विषयों में फेल 16 छात्र फेल हुए दोनों विषयों में, तो 10% का मान कितना हो गया, 10% का मान हो गया 16। उसने पूछा क्या है, कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, मतलब 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 160। 160 छात्रों ने परीक्षा दी। उसने पूछा कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए, 10% का मान 16 हो गया, तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी, ये पूछा है। भाई ऑप्शन 60, 50, 40, 30 दिए हैं, आंसर आया 160। उसने पूछा कुल कितने छात्रों के, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम, सही है 160 इसका आंसर होगा। भाई ऑप्शन करेक्ट कर लो, ऑप्शन करेक्ट कर लो, इसको 160 कर लो, इसको 150 कर लो, इसको 140 कर लो, इसको 130 कर लो, तो आंसर हमारा हो जाएगा 160। डी ऑप्शन पे आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर कौन सा हो गया, 160 हो गया। देखेंगे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 8th क्वेश्चन समझेंगे, पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंट हो गया, तो एक लाइन यहां टाइप होने रह गई है। एक कंपनी नोकिया और सैमसंग के लिए सर्वे करती है, सर्वे में पता चलता है कि जितने लोग दोनों फोनों को पसंद करते हैं, उतने ही लोग दोनों में से किसी भी फोन को पसंद नहीं करते हैं। 630 लोग सिर्फ सैमसंग को पसंद करते हैं। उसके बाद ये लाइन जो दोबारा रिपीट हो गई है, उसकी जगह पे
उसकी जगह पे यहां पर आपको बस ये करना है कि ये 630 लोग सिर्फ को काटकर, सिर्फ 630 को काटकर यहां पर बस 48% करना है। 48% सैमसंग पसंद करते हैं, ऐसे आएगा यदि सर्विदे को यहां पर दिया है 48% लाइक सैमसंग, तो 48% सैमसंग पसंद करते हैं। यदि सर्वे कुल 1750 लोगों में किया गया सिर्फ, तो केवल नोकिया पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा? देखो सॉल्यूशन देखेंगे एट्थ क्वेश्चन का। एट्थ क्वेश्चन में सर्वे जितने लोगों पर हुई उसका जो टोटल मान है वो ये हो गया। तो सर्वे टोटल लोगों पर कितने पर हुई, तो टोटल 100% पर हुई। पहले हम परसेंटेज में चीजों को लेके चलते हैं, फिर उसके बाद में उसको परफेक्ट में बना लेंगे। उसके बाद दो कंपनी है जिन पर सर्वे किया गया है, एक कंपनी नोकिया है और एक दूसरी कंपनी है सैमसंग। मैं इसको सैमसंग को एस मान लेता हूं, नोकिया को एन मान लेता हूं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, नोकिया सैमसंग 48% लोग पसंद करते हैं, तो 48% जो है वो पसंद करते हैं सैमसंग को, और 630 टोटल उसने दिया, 1750 लोगों पर सर्वे किया गया है और 630 लोग जो है वो सैमसंग, ओनली सैमसंग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ये निकालो कि ओनली सैमसंग पसंद करने वालों का प्रतिशत क्या है, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही लेके चलना है। तो ओनली सैमसंग वालों का परसेंटेज निकालेंगे, तो ओनली सैमसंग पसंद कितने करते हैं, 630 कितने में से, 1750 में से, और मल्टीप्लाई 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से 9 बार। तो इसका मतलब केवल सैमसंग पसंद करने वाले आ जाएंगे, 9 चक 36%। तो 36% कौन सा मान होगा, केवल सैमसंग पसंद करने वालों का, ये तो ये होगा कितना परसेंट, 36%। जब ये 36% होगा तो दोनों पसंद करने वाले कैसे निकालेंगे, अगर मैं ये वाला भाग निकालना चाहूं तो ये वाला भाग कैसे निकलेगा, तो ये वाला भाग 48% में से 36% को घटा दूं तो 12% सैमसंग और नोकिया दोनों पसंद करेंगे। उसके बाद 12% दोनों पसंद करेंगे, उसके बाद उसने पहली वाली लाइन में ही कहा है कि जितने लोग दोनों फोनों को पसंद करते हैं उतने लोग दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते। इसका मतलब 12% अगर दोनों को पसंद करने वाले हैं तो 12% ही ऐसे होंगे जो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करेंगे। मतलब ये वाला जो भाग है ना, इसका मान कितना होगा, इसका मान 12% होगा। अब उसके बाद अगर 100% में से मैं 12% को घटा दूं, देखो ये परसेंटेज तो हमने निकाल लिया, अगर मैं 100% में से 12% को घटा दूं तो कितना बचेगा, तो 100% में से अगर मैं माइनस करूंगा 12% को तो वो बचेगा 88%। तो ये जो 88% मान है ये कौन सा होगा, उसमें ये भी होंगे 36%, 12% ये भी होंगे, और उसके अलावा उसमें ओनली नोकिया वाले होंगे ये। तो अगर मैं इसमें से और ये घटा दूं, इन दोनों को जोड़कर घटा दूं, तो ओनली नोकिया वाले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो ओनली नोकिया कितने परसेंट पसंद करते हैं ये निकालेंगे, तो ओनली नोकिया वाले आ जाएंगे 88% में से, और माइनस कर देंगे 88% में से माइनस कर देंगे कितना, 12 और 48, तो ओनली नोकिया पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, 40% लोग ओनली नोकिया पसंद करते हैं, 40% लोग ओनली नोकिया पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसने परसेंटेज में ही पूछा है हमसे आंसर, तो 40% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। परसेंटेज इन सभी ऑप्शनों में लगा लेंगे बेटा, टाइपिस्ट ने एरर की है, तो आंसर हो गया सी 40%। इसका मतलब उसने कहा है नोकिया पसंद करने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए, तो आंसर हो जाएगा 40%। आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा था, तो 40% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो सारी चीजें, अगर उसने पूछा होता था नोकिया पसंद करने वाले कितने होंगे, तो 40 और 12 कितने हो जाते, 52%। अब देखो 100% पर टोटल सर्वे हुआ जिसमें से 12% कोई फोन पसंद नहीं करते हैं, 12% दोनों फोन पसंद करते हैं, 48% सैमसंग पसंद करते हैं, 36% केवल सैमसंग पसंद करते हैं, 40% केवल नोकिया पसंद करते हैं, 52% नोकिया पसंद करते हैं। उसने हमसे पूछा था केवल नोकिया पसंद करने वालों का प्रतिशत, तो केवल नोकिया पसंद करने वाले कितने हुए, 40%। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली पीपीटी में 9th क्वेश्चन नहीं आया है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उसको। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन भाई, 10th क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, 9th क्वेश्चन है, सॉरी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें क्या कहा है, 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, 90 लोग चाय पीते हैं तथा 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत बताइए। यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने पीछे आपको बताया था वही क्वेश्चन आ गया। तो केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत, इसका मतलब केवल कॉफी वाले, केवल मैंने बोला था कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में केवल में आंसर पूछे तो जो यहां पर पूछ रहा हो उसी को वेन डायग्राम में लेना है। तो इसका मतलब यहां पर केवल कॉफी पीने वालों का परसेंटेज पूछ रहा है तो वेन डायग्राम में पीने वाले लेने हैं, वेन डायग्राम में पीने वाले लेने हैं भाई। तो देखो वेन डायग्राम में ये आयत जो है अपने आप में 100% हो गया। इसमें कॉफी और चाय पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले हैं ये मैंने मान लिया COFAA, ठीक है भाई, कॉफी पीने वाले हो गए। चाय पीने वाले, टी लेने वाले ये हो गए। तो उसने कहा 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, 90 लोग, इसमें सीधा परफेक्ट में दिया है और ये परसेंटेज में दिया है। तो हमें अगर परसेंटेज में ही आंसर पूछा है तो परसेंटेज में ही लेके चलते हैं, परसेंटेज में लेके चलेंगे। 100% लोग हो गए, 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो अगर इसमें हम पीने वाले लेंगे तो बाद में जो आयत में जगह बचेगी इसमें ना पीने वाले आएंगे, तो ना पीने वालों का परसेंटेज कितना दिया उसने, 30%। इसका मतलब ऐसे कितने हैं जो कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं, तो 100 में से 30 को घटा देंगे तो 70% मान कौन सा हो जाएगा, 70% मान ये पूरा हो जाएगा जो कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। ये 70% कौन से होंगे, जो कुछ ना कुछ अवश्य पीते हैं। इसमें ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होंगे, दोनों पीने वाले भी शामिल होंगे। फिर उसके बाद 80 लोग कॉफी पीते हैं, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो 180 में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, 80 लोग कॉफी पीते हैं तो 180 में से 80 जो है वो कितना परसेंट है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो जीरो से जीरो कट गया, तो यहां पर ये जो परसेंटेज है ये पॉइंट में आएगा। तो ऐसा करो परफेक्ट में वैल्यूज को लेके चलते हैं, अगर पॉइंट में आ रहा है तो वैल्यूज को परफेक्ट में लेके चलते हैं, ठीक है, परसेंटेज को हटा लेते हैं, वैल्यूज को परफेक्ट में। तो 80 लोग कॉफी पीते हैं तो कॉफी पीने वाले कितने हो गए भाई, कॉफी पीने वाले 80 लोग हो गए, हमें परसेंटेज में नहीं ले रहा, 80 लोग हो गए कॉफी पीने वाले। फिर उसके बाद टोटल लोग कितने हैं, तो 180 लोगों ने सर्वे में भाग लिया है, 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते हैं। इसका मतलब 180 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 54 लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं लेते, तो वो कहां आएंगे, यहां आएंगे, ठीक है। अब देखो 80 जो कॉफी पीते ये मान कौन सा होगा, तो 80 मान यहां से लेके यहां तक का होगा, ठीक है, और 54 ये हैं, और ये टोटल जो सर्किल है वो 180 है। 180 में से अगर मैं 54 को घटा दूं तो 180 में से 54 को माइनस करूंगा तो कितने आएंगे, तो वो आएंगे 126 लोग। 126 जो लोग होंगे वो क्या होंगे, 126 लोग वो होंगे जो कुछ ना कुछ अवश्य लेते हैं, मतलब इन दोनों सर्किलों का मान जो है वो 126 के बराबर होगा, और इतने का मान 80 है जो मैंने ये हाईलाइट किया है, और 126 टोटल का मान है। इसका मतलब अगर मैं 126 में से 80 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 6 और 4, ये जो 46 लोग हैं ये ओनली टी पीने वाले आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने जब 126 जो है वो टोटल इसका मान है वेन डायग्रामों का, 80 यहां तक का मान है, तो केवल यही तो मान बचा उससे अलग, तो ये जो मान है वो कितना आ जाएगा, 46, मतलब 46 केवल चाय लेते हैं, 80 जो है वो कॉफी लेते हैं, 54 कुछ भी नहीं लेते, और 180 टोटल लोग हैं। उसने पूछा है केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत, तो केवल कॉफी पीने वाले के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसे लोग कौन से हैं जो कॉफी और टी दोनों चीज लेते हैं। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा भाई ऐसे लोग कौन से हैं जो कॉफी और टी दोनों चीज लेते हैं, तो दोनों लेने वाले निकालेंगे तो 46 और 80 टोटल कितना हो गया, 126 हो गया। उसमें से हम केवल कॉफी वाले पता है 90 लोग चाय पीते हैं, ये दिया है, देखो ये दिया है, ये दिया 90 लोग
चाय पीते हैं, इसका मतलब चाय पीने वाले टोटल 90 हैं। अगर मैं 90 में से ओनली टी वाले 40 घटा दूं तो बाकी के आ जाएंगे दोनों पीने वाले, तो 90 में से 46 को माइनस कर दो भाई, 90 में से 46 को माइनस करेंगे तो दोनों पीने वाले कितने आ जाएंगे 44, 44 को 80 में से माइनस करेंगे तो ओनली कॉफी पीने वाले आ जाएंगे 36। अब हमारे पास पूरा डाटा हो गया, 180 टोटल लोग हैं जिसमें से 54 कुछ भी नहीं लेते हैं, जिसमें से 90 चाय लेते हैं, 40 केवल चाय लेते हैं, 44 चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, 36 केवल कॉफी लेते हैं, 80 कॉफी लेते हैं। पूछा क्या है, केवल कॉफी पीने वाले लोग, तो केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं भाई 36, कितने में से 180 में से, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज बताना है भाई, जीरो से जीरो 18 दूनी 36 परसेंटेज आ गया 20%। इसका मतलब 20% लोग ऐसे होंगे जो केवल कॉफी पीते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने परफेक्ट में ले लिया, अगर आप चाहेंगे तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन परसेंटेज से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने परफेक्ट में क्यों लिया, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू परफेक्ट में दी थी, 180 80 90 तीनों वैल्यूज परफेक्ट में दी थी, बस एक चीज परसेंटेज में दी थी। तो हमें क्या करना है, अगर हम परसेंटेज से करेंगे तो इन सबको भी परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, तो हमारे पास एक रास्ता है, या तो इन तीन चीजों को परसेंटेज में बदलो या केवल एक परसेंटेज को परफेक्ट में बदल लो। तो हमें आसान लगा कि हम एक परसेंटेज को परफेक्ट में बदल लें, बस बाकी चीजें हमें दी है, 180 90 80 सारी चीजें दी थी, मैंने उसको परफेक्ट में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन का आंसर आ गया 20%। ठीक है, तो आज की क्लास में 9th क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आज की क्लास में हमने दो समुच्चयों पर आधारित कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आगे की क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड तीन समुच्चय जिसमें होंगे, तीन सेट होंगे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।